श्रीमद् भागवत की बड़ी रहस्यमयी कथाओं को जो श्री सुखदेव जी महाराज ने दशम स्कंद में गुंफित किया है, जिनका सार समझना मानवीय बुद्धि के बाहर की बात है, परंतु जिन कथाओं में प्रवेश करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, मानव जीवन सफल होता है, छिपा हुआ भगवत प्रेम उदित होता है, जन्म जन्मांतर की पाप राशियां सहसा ही समाप्त हो जाती है, उन कथाओं को आप लोग बड़ी श्रद्धा के साथ कई बाधाओं को पार करके इस गोकुल धाम में प्रेम से सुन रहे हैं। भागवत में कहीं परीक्षित जी ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं जिनसे सुखदेव जी महाराज का कथा का क्रम और ही विलक्षण हो जाता है, और कभी कभी सुखदेव जी महाराज से हमारे परीक्षित ऐसे प्रश्न करते हैं जो प्रश्न कभी कोई मानव जाति में करने का प्रयास करेगा तो उसे स्पष्टतः श्रीमद् भागवत जवाब दे सके, इसलिए भी करते हैं। बड़ी विचित्र कथाएं चली है, चाहे भगवान का विवाह हो, चाहे भगवान का युद्ध हो, सभी लीलाओं में भगवान का प्रेम ही प्रेम छिपा हुआ है। इतना ही नहीं, एक दीनहीन भूला बिसरा एक मित्र जब उनको मिलता है, किस प्रकार भगवान उस मित्र का अपने घर पर आदर करते हैं, और उस मित्र में जो ब्राह्मणत्व है, उस ब्राह्मणत्व की रक्षा करते हुए विपुल संपत्तियों के बीच में भी भगवान का भक्त संपत्तियों के विकार से कितना दूर रहता है, ये भी कल आप लोगों ने सुना था। संपत्ति प्राप्त करके तो एक बार वो भक्त घबरा ही जाता है, बड़ा सावधान होता है, और उसके पश्चात उसकी भक्ति विशेष बढ़ती है। यद्यपि साधनहीन अवस्था में भक्ति में कोई विशेष परिश्रम का उसे ज्ञान नहीं होता, परंतु संपत्ति पास में पड़ी है खूब, और भक्ति भी खूब होती रहे, ये असंभावित बातें हैं। वो असंभावित बातें भगवान के भक्त के लिए परीक्षा की घड़ी होती है, वो कल आपने प्रसंग सुना। फिर ये भी आपको बताया गया था कल सुखदेव जी के द्वारा कि लोग तीर्थों में क्यों जाते हैं, तीर्थों में जाने पर कितना प्रेम का विस्तार होना चाहिए। भूले भटके लोग तीर्थों के बहाने से आपस में मिलकर के स्नेह की परंपरा को सुरक्षित रखते हैं, और मोह रहित होकर आपस में मिलते हुए
वे तीर्थों के अंदर यज्ञ वगैरह शुभ कर्म करते हैं। कल के प्रसंग में आपने ये भी सुना, वसुदेव और देवकी जिनके सामने भगवान ने अवतार लेते समय में चतुर्भुज रूप से दर्शन दिए थे, उन्होंने निरंतर भगवान की ब्रह्म भाव से उपासना की थी। यदि उनमें पुत्र भाव की उपासना हुई होती तो जेल खाने से अपने पुत्र को नंद जी के वहां ले जाने का साहस नहीं कर पाते। और जब उनको इस बात का ज्ञान हुआ कि हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल यथार्थ है, क्योंकि ऋषि मुनियों ने कुरुक्षेत्र में कृष्ण को परब्रह्म माना है, तो कभी कभी हमारे मन में पुत्र भाव आता है तो हम भूल तो नहीं कर बैठते हैं। इसलिए अब जो द्वारिका में दोबारा कुरुक्षेत्र के बाद कृष्ण भगवान और वसुदेव देवकी आपस में मिलते हैं तो और ही भाव है। वसुदेव जी महाराज तो भगवान कृष्ण से भक्ति मांगते हैं और देवकी जी अपने कंस के मारे हुए 6 पुत्रों को मांगती हैं। ये 6 पुत्रों को मांगने का अर्थ क्या था? देवकी जी ने विचार किया कि जिस परब्रह्म परमात्म स्वरूप भगवान को मैंने गोद में खिला लिया, इनके अतिरिक्त मेरा संसार में कहीं प्रेम रहना नहीं चाहिए, परंतु मेरे 6 बेटों के मरने का भीतर में दुख है, वो मोह जनित दुख है, उसको मैं कैसे मिटा सकती हूं? कोई उपाय नहीं देखा तो उन्होंने कृष्ण भगवान से प्रार्थना करके 6 बच्चों को मंगवाया और भगवान ने वो 6 पुत्र इसीलिए लाकर दिए कि देखो मैया, अब इनसे मिलने के पश्चात, इनके उद्धार हो जाने के पश्चात अब आपका संसार में कहीं भी मोह नहीं रहना चाहिए। ये सब बातें हो गई। अब सुखदेव जी महाराज ऐसी कथा कहते हैं जिस कथा में सुखदेव जी खुद शामिल होते हैं, परंतु इस कथा से पहले परीक्षित जी ने एक प्रश्न कर लिया। परीक्षित जी ये प्रश्न करना चाहते थे रुक्मणी विवाह के पश्चात, परंतु उस समय वो प्रश्न नहीं किया और वो प्रश्न अब कर रहे हैं। क्यों नहीं किया? कि वक्ता जिस क्रम से कथानक को कह रहे हैं उसमें इतने दत्तचित्त होकर परीक्षित महाराज सुन रहे हैं, एक प्रसंग पूरा हो जाए उसके बाद प्रश्न करना चाहिए। तो यहां भगवान की एक तरह से पूरी कथाएं हो गई और विश्राम हुआ, तब परीक्षित ने प्रश्न किया। ऐसे भागवत में पहले भी आया था प्रसंग, 4th स्कंद का प्रसंग था, उसको उन्होंने 6th स्कंद में पूछा, क्योंकि बीच में अवांतर बातें ऐसी श्रृंखलाबद्ध थी कि प्रश्न करके उनको तोड़ना नहीं चाहिए। प्रश्न करना भी एक बहुत बड़े ज्ञान की बात है। प्रश्न में तो अज्ञान होता है, परंतु उस अज्ञान को भी ज्ञान पूर्वक रखना चाहिए। प्रश्न में बेसमझी होती है, पर बेसमझी को भी समझदारी के साथ रखना चाहिए। हमारे परीक्षित जी में ये बड़ी विचित्र कला है। तो हमारे सुखदेव जी महाराज में भी बड़ी विचित्र कला है।
सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, परीक्षित प्रश्न करते हैं पहले कि महाराज हमने सुना था कि हमारी दादी है सुभद्रा और दादा है हमारे अर्जुन, तो उनका भी दादाजी ने भी हमारी दादी का हरण ही किया था ऐसा हमने सुना है, और वो भगवान कृष्ण की बहन थी। कृष्ण और बलराम की बहन को अर्जुन हर करके लाए थे ये हमने सुना है, तो इसमें क्या बात है हमको बताइए। तो देखो अब इस बात को सुखदेव जी महाराज समझ गए कि किस बहाने से पूछ रहे हैं अर्जुन ये परीक्षित। परीक्षित क्या आधार करके पूछ रहे हैं कि रुक्मणी का हरण भगवान ने किया था, उसमें भगवान का संकल्प मुख्य था या रुक्मणी का संकल्प मुख्य था, और ऐसा ही हरण भगवान की बहन का अर्जुन ने किया था तो उसमें क्या रहस्य है, रहस्य क्या था। तो सुखदेव जी महाराज बहुत संक्षेप में बात बताते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि देखो अर्जुन एक बार तीर्थ यात्रा में निकले थे, चलते चलते वे प्रभास क्षेत्र में आए तो उन्होंने सुना कि बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं। ये बात अर्जुन को अप्रिय लगी राजनीतिक दृष्टि से भी और दूसरी दृष्टि से भी। अर्जुन ने विचार किया कि यदि दुर्योधन का विवाह कृष्ण भगवान की बहन के साथ हो जाएगा तो ये दुर्योधन कृष्ण का बहनो ही हो जाएगा, बहनो ही हो जाने के पश्चात कृष्ण दुर्योधन के ज्यादा निकट चले जाएंगे, ये विवाद भगवान कृष्ण को अभीष्ट है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमें तो अभीष्ट नहीं है। ऐसा मन में विचार करके वे त्रिदंडी सन्यासी होकर वहां रहने लगे। त्रिदंडी सन्यासी होते हैं वे गैरवा वस्त्र नहीं पहनते, सफेद वस्त्र पहनते, श्वेत वस्त्र, और उन त्रिदंडी सन्यासी का जो दंड होता है उसमें एक दो और तीन ऐसे झुकाव होते हैं उसमें त्रिदंडियों, उसमें तीन ही होते हैं झुकाव त्रिदंडी, और त्रिदंडी सन्यासी में शिखा का त्याग नहीं होता, और जो दंडी सन्यासी वगैरह होते हैं उसमें शिखा सूत्र का त्याग होता है, और जो है त्रिदंडी सन्यासी होते हैं वे शिखा सूत्र का त्याग नहीं करते, जनेऊ रखते हैं, चोटी रखते हैं, श्वेत वस्त्र पहनते हैं और हाथ में एक दंड रखते हैं। तो त्रिदंडी सन्यासी बनकर के साधु का रूप बनाकर अर्जुन बैठ गए। धीरे 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 द्वारका वासियों को पता चला कि यहाँ एक बहुत अच्छे संत आए हुए हैं, तो बलराम जी भी दर्शन करने गए। बलराम जी को पता नहीं चला कि ये अर्जुन है क्या। देखो कभी कभी आप देखेंगे कि भगवान के अवतारों में भी अनभिज्ञता होती है, वो अनभिज्ञता क्या है, वो अनभिज्ञता इस बात की होती है कि वे अपनी जानकारी का ज्यादा इधर उधर उपयोग करते नहीं, मौके पर ही उपयोग करते हैं। बड़े बड़े संत महापुरुष होते हैं वो भी सब बात जानने की क्षमता रखते हुए भी उस जानकारी का उपयोग करते नहीं है, तो ऐसा किया नहीं उन्होंने। अब क्या हुआ कि लोग आए, बलराम जी भी आए, बलराम जी उनको देखकर कहने लगे महाराज हमारे महल में पधारो, भोजन करो, कि अच्छी बात है, भोजन करने के लिए निमंत्रण दे दिया।
भगवान को कहा बलराम जी ने कि अरे कृष्ण, एक अच्छे संत आए हुए, उनको हमने निमंत्रण दिया है। तो भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है। भगवान ने कान में जाकर के सुभद्रा को कह दिया कि हम तुम्हें अर्जुन के लिए बोलते थे, आज अर्जुन आ रहा है, उस अर्जुन से तुम बात कर लेना, वो तुम्हें स्वीकार करता है कि नहीं करता है। और अर्जुन आ गए तो अर्जुन को कान में कह दिया कि देख, तुम सुभद्रा को स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो, तुम मालूम कर लेना, हम तुमको जो है सुभद्रा को तुम्हारे यहां भेजेंगे। तो भोजन की व्यवस्था में सुभद्रा उनको भोजन कराने लगी, तो सुभद्रा ने अर्जुन को और अर्जुन ने सुभद्रा को बता दिया, अपने मन की बात बता दी, भगवान को बता दी। तब भगवान ने उनको अर्जुन को हरण करने का मौका भी बता दिया कि भाई देवी का उत्सव होगा, वहां पर तुम भी चले जाना, ये भी चले जाएगी, तुम उसका हरण कर लेना। जैसा कहा वैसे अनुसार अर्जुन रथ में बैठ करके आए और सुभद्रा का हरण कर गए। बलराम जी को बाद में पता चला, बलराम जी महाराज नाराज हो गए। बलराम जी महाराज जो है वो उस समय जो है हाथ में गदा लेकर के कृष्ण से भी कहने लगे, कृष्ण चलो आज पांडवों पर आक्रमण करना है, करो चलो महाराज। क्यों करना है कि देखो अर्जुन अपनी बहन ले गया, मुझे मालूम है अर्जुन तुम्हारा प्रिय मित्र है, लेकिन जैसे वो प्रिय मित्र है वैसे अपनी छोटी बहन भी तो प्यारी है ना, इसलिए उस बहन का हरण करने वाला तुम्हारे और हमारे शस्त्र से बच कैसे सकता है, ये तुम्हारा और हमारा अपमान है, बिल्कुल अपमान है महाराज, चलो मैं चलने के लिए तैयार हूं, पर एक बात बताओ, सुभद्रा का कभी विवाह करना है कि नहीं करना है, कि कुमारी रखनी है, विवाह तो करना ही है, तो किसके साथ करना है, कि दुर्योधन के साथ, अच्छी बात है, पर दुर्योधन और अर्जुन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, गुणों में श्रेष्ठ कौन है, देवताओं के निकट कौन है, सद्गुणों में निकट कौन है। ऐसे कृष्ण भगवान जब झड़ी लगाने लगे तो बलराम जी ने कहा कि देख कृष्ण, तेरा क्या विचार है, कि मेरा विचार यह है कि पिता माता से और पूछ लो, पिता माता बोल देवे कि नहीं भाई अर्जुन के साथ में हम विवाह नहीं करेंगे, तब जो है नहीं करेंगे, तो चलो वसुदेव जी से पूछा, देवकी जी से पूछा, अरे अर्जुन जैसा तो वर अपने को कहीं मिलने वाला ही नहीं है बलराम, कृष्ण की बात हमको बहुत ठीक लगती है। बलराम जी ने कहा अरे कृष्ण, सब तेरी बनाई हुई योजना है, तूने ही वसुदेव जी को पिताजी को बहकाया है, तूने ही देवकी को बहकाया है, तूने ही अर्जुन को बहकाया है, तूने ही सुभद्रा को बहकाया है, सब काम बोल तेरा है कि नहीं। तो मुस्कुराते हुए भगवान बलराम जी के चरणों में गिर गए और कहने लगे महाराज सब करतूत मेरी है, मैंने ही करवाया है, तो फिर ऐसा क्यों करते हो, मुझे ही बोल देते तुम, अब बुलाओ अर्जुन को और सुभद्रा को, करो दोनों का ठाट बाट से विवाह करो, चलो हम तुम्हारे साथ हैं। अब बलराम जी ने भी ठाट बाट के साथ सुभद्रा का विवाह करवाया, बहुत सा उनको धन घोड़े रथ आदि दिए और दास दासियां दहेज में दी और उनको प्रेम से विदा किया। अर्जुन ने परीक्षित, इस विवाह की कथा के अंदर सबसे बड़ी बात यह रही कि भगवान की सहमति नहीं होती तो ये काम नहीं होता। ये अर्जुन का पुरुषार्थ नहीं है कि वो सुभद्रा का हरण कर लेता, ये अर्जुन का पुरुषार्थ नहीं है, ये पुरुषार्थ हमारे भगवान कृष्ण का प्रताप है। देखो मैं तुमको कृष्ण की कथा सुना रहा हूं ना, उस कथा को तुम आगे और सुनो। सुखदेव जी महाराज आगे की कथा सुनाते, बहुत विचित्र कथा है। देखो समझ में आना बड़ा मुश्किल होता है कई बार ऐसी, ये कथा ऐसी जिसमें सुखदेव जी खुद शामिल थे, बड़ी विचित्र कथा है।
और इसके बाद जो कथा आएगी वेद स्तुति का प्रसंग, वो तो भाई सारे शास्त्रों का सार आएगा, सारे शास्त्रों का। तो आपसे एक बात विशेषता से कहनी है, बड़े जागरूक होकर के आप कथा सुनिएगा। ये तो सब बात जागरूक होकर के सुनते ही है आप और सुनी है। ये कथा ऐसी है, ऐसी विचित्र है, कथा के रहस्य में घूमते जाओ। क्या भगवान की भक्ति, क्या भगवान की कृपा। देखो कथा के रहस्य में जाते हैं ना, तो भगवान ने जिस काल में अपने लीला पात्रों पर कृपा की थी, वो कृपा आज के समय में हम लोगों पर भी हो सकती है। लीला के रहस्य में प्रवेश करने पर वो कृपा भगवान हम पर भी जो है कृपा करने के लिए तैयार है। आइए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो मिथिला के अंदर एक सुतदेव नाम का ब्राह्मण रहता था और एक मिथिला का राजा था बहुलाश्व, वो भी भगवान की भक्ति करता था। ये दोनों भगवान के विचित्र भक्त थे और इनकी भक्ति में सबसे बड़ी बात ये थी कि लेश मात्र भी भक्ति में अंतर नहीं था, एक सूत का भी अंतर नहीं, एकदम विचित्र भक्ति दोनों की। हरदम भगवान का स्मरण करना, भगवान को अर्पित होकर के रहना, भगवान का आह्वान करना, भगवान के विरह में रहना और कभी कभी भगवान के साथ संयुक्त होकर रहना, ये सब लीलाएं उनके मन में होती रहती थी, भाव उमड़ते रहते थे। कभी तो लगता कि भगवान हमारे बहुत निकट हैं, कभी लगता कि अरे भगवान कब मिलेंगे, ऐसी है विचित्र बातें। तो दोनों की एक जैसी भक्ति थी। तो भगवान ने विचार किया कि भाई इन दोनों से जाकर के मिला जाए। तो भगवान वहां से द्वारिका से रवाना हुए, भगवान के साथ हम लोग भी रवाना हो गए। नारद है, वामदेव है, अत्रि है, राम है, असित है, अरुणी है, मैं हूं अहम बृहस्पति कण्व है, हम सब उनके साथ थे, मैं भी साथ में ही था। खूब देश देशांतरों को पार करते हुए लोगों से भगवान की स्तुति सुनी की जाती, वो हम लोग सुनते थे, हमको बड़ा आनंद मिलता था। क्योंकि भगवान की स्तुति वगैरह करने से, कथा करने से वातावरण का अमंगल दूर होता है। शेनवन दिगंत धवलम स्वयशो अशुभ्रम, अशुभों का नाश करने वाला जो भगवान का दिव्य यश है, वो सारे दिशाओं को पवित्र करने वाला है। ऐसे यश को भगवान भी सुनते थे, हम लोग भी सुनते थे, बड़े आनंद की अनुभूति होती थी। चलते चलते हम मिथिला नगरी में आ गए, वहां पर वे दोनों के दोनों हमारे पास आए, भगवान के पास आए। नगर के बाहर दोनों ने आकर उन भगवान की पूजा की, राजा ने भी और ब्राह्मण ने भी, और युगपत संगतांजलि, एक साथ दोनों ने हाथ जोड़े और एक साथ दोनों ने निवेदन किया और एक जैसे भाव से निवेदन किया कि महाराज हमारे घर पर पधारिए। उभयो राविशत गेहम, भगवान ने भी क्या किया, एक समय में दोनों के घर में जाकर दोनों को संतुष्ट किया। अब यहां एक खास बात है कि भगवान तो एक समय में अनेक रूपों में सब जगह जा सकते हैं,
परंतु भगवान के साथ जो संत हैं वे संत तो भाई किसी एक जगह ही जा सकते हैं, वो संत तो अपने अनेक रूप बनाने से रहे। देखो संत लोगों में भगवान में एक अंतर है, संत लोग होते हैं वो जरा सिद्धियों से बसते रहते हैं, वो सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, अपने शरीर को अनेक रूपों में बनाने कर ले नहीं करते। और यदि मान लो कभी कोई किसी भक्त पर करे भी, ऐसा कर भी लेवे तो भगवान के सामने तो सिद्धियां दिखाने का प्रश्न ही नहीं है, भगवान के सामने क्या दिखाए। जहां केवल संतों की बात हो तब तो वो संत किसी भक्त के ऊपर अपना कोई प्रयोग बता सकते हैं, परंतु भाई या तो भगवान के सामने क्या सिद्धि बताए। तो भगवान तो एक समय में दोनों के वहां चले गए, राजा के यहां भी और ब्राह्मण के यहां भी, लेकिन अब सुखदेव जी वगैरह कैसे जा सकते हैं, वो एक जगह ही जाएंगे और एक जगह जो है भगवान ही उनके रूप में रहेंगे। जैसे ब्रह्मा जी के समय में भगवान ही बछड़े बने थे, भगवान ही ग्वाल बाल बने हुए थे, उसी प्रकार से यहां भी भगवान ही एक जगह संतों का रूप धारण करेंगे। परंतु दोनों की यहां हम लोग पहुंचे तो भाई अब किसके हम अब किसके यहां भगवान संत रूप से गए और किसके यहां संत वास्तविक रूप से गए, इसका कोई इस कथा के अंदर सीधा सीधा कोई पढ़ता जाएगा तो अर्थ नहीं मिलेगा। एक शब्द छिपा हुआ है इसमें, एक ऐसा शब्द छिपा हुआ है, उससे पता चलता है कि यहां संतों के रूप में केवल भगवान थे और वहां केवल संत थे। ये एक जगह ऐसा शब्द आया है, बाद में तो देखो अपने आप सब पता चल जाएगा। तो एक शब्द के द्वारा बताते हैं, शब्द के द्वारा क्या कि जब भगवान राजा के यहां पर पहुंचे ना, तब उस राजा ने पूजा की भगवान की, तो देखो क्या बोलते हैं, सकुटुंबो वहन मूर्धना उपासान चक्र ईश्वरान। कुटुंब सहित उसने भगवानों के चरण धोए। अब भगवानों के चरण धोए मतलब भगवान कोई बहुत होते हैं क्या, भगवान तो एक ही होते हैं। तो उपासान चक्र ईश्वरान, पूजयान चक्र ईश्वरान, उस राजा ने ईश्वरान पूजयान चक्र, ईश्वरों की पूजा की। तो ईश्वरों की पूजा की इस बहुवचन से मालूम देता है कि जितने संत थे वो सब के सब भगवान के भगवान ही थे। वो संतों के अनेक रूपों में भगवान ने अपनी अनेकता दिखाई, इसलिए यहां पर अनेक अनेक ईश्वरों की बात आई। ईश्वरान पूजयान चक्रे, खूब पूजा की। और फिर उसके बाद राजा ने स्तुति करते हुए कहा कि महाराज आप तो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा हो, सबको देखने वाले हो, सबको देखते हो लेकिन स्वैदृक, आप अपने को भी देखने वाले हो। अपने को देखने वाले का अर्थ आप अपने में मस्त रहने वाले हो, एक अपना जो आनंद है उसमें मस्त रहते हो। देखो सबको देखने वाले तो अपने भी जो अपने सामने चीज आती है देखते तो है, लेकिन हम स्वैदृक नहीं है, अपने में हमारी दृष्टि नहीं जाती, अपने स्वरूप पर दृष्टि नहीं जाती। साक्षी तो हैं हम, पंडाल के साक्षी हैं, शरीर के साक्षी हैं, वस्त्र के साक्षी हैं, परंतु स्वैदृक नहीं है। भगवान की ये विशेषता नहीं है कि वो सब जगत के साक्षी हैं, भगवान की ये विशेषता है कि वो स्वैदृक है। स्वैदृक कितनी बढ़िया बात है। और आपके चरण कमलों का दर्शन करने से हमारे मन में एक अपूर्व जो है आनंद की लहर छा गई है। आप अपने वाणी को सत्य करने के लिए ही हमारे सामने आए हैं। ऐसा आनंद महाराज जो हम लोगों को मिलता है ना,
ऐसा आनंद जो भक्तों को मिलता है वो ब्रह्मा को नहीं मिलता, शेषनाग को नहीं मिलता, लक्ष्मी जी को नहीं मिलता। ऐसे ही चरण कमलों में एक बार यदि साधक का प्रेम हो जाए, फिर वो प्रेम ऐसा है कि वो बढ़ता ही रहता है। देखो, संसारियों का प्रेम तो कैसा होता है? संसारियों का प्रेम होता है दोपहर के सूर्य के प्रकाश के समान, और भगवान में जो प्रेम होता है वो होता है उगते सूर्य के समान। उगता सूर्य होता है वो देखो बढ़ता ही जाता है, पहले थोड़ा, फिर बड़ा, यो करते करते खूब बड़ा होता है। तो उगते सूर्य के समान भक्तों का भगवान में प्रेम, और मध्याह्न सूर्य के समान संसार का संसारियों में प्रेम। संसार में देखो प्रेम होता है ना, एकदम पहले बहुत होता है, फिर वो प्रेम धीरे धीरे टूटने लगता है, टूटते प्रेम खत्म हो जाता है, रात हो जाती है। और भगवान में जो प्रेम होता है वो प्रतिक्षण वर्धमान होता है, बढ़ता ही जाता है। हमको कई लोगों ने कहा, कोई एक दो ने नहीं कहा, एक दो से ज्यादा ही लोगों ने कहा कि हर बार कथा सुनते हैं तो नई मालूम देती है, सुने भी कथा नई मालूम देती है। तो इसमें कोई कथा कहने वाले की विशेषता थोड़ा ही है, कहने वाला तो वही है, उसकी विशेषता नहीं है। वो सुनने वाले का हृदय हर बार में नया नया प्रेम पकड़ता है। उनका खुद का, आप लोगों का हृदय है वो जो जो भगवान की तरफ ज्यादा चलता है त्यो आपको नयापन लगता है, नयापन ऐसा लगता है ये कैसी कथा तो हमने सुनी नहीं। जब भी आप सुनते हैं तब आपको यही होगा कि हम ऐसी कथा सुनी नहीं, ऐसा लगता है। कहीं सुनो बोले, कोई एक जगह की कोई बात नहीं, कहीं सुनो, आपको हर बार भागवत नई मालूम देती है। क्यों? अंतकरण निर्मल होता है, भगवत प्रेम बढ़ता रहता है। और कथा के अंदर भाई प्रेम न बढ़े तो समझना चाहिए कि कथा में हमको को रस नहीं आया, और वही पुरानी कथा है ऐसा ही लगे तो उसमें अभी अंतकरण निर्मल नहीं हुआ है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिने दिने नवम नवम, जैसे दिन दिन में भक्त का प्रेम बढ़ता है ऐसे ही भाई कथाओं में भी नया नया अनुराग आता है। अरे भाई अब की बार कथा बड़ी अच्छी हुई, कहते अब की बार बड़ी अच्छी हुई, कहने वाला व्यक्ति भी, जो कथा कहने वाला उसको भी लगता है कि भाई अब की बार बहुत अच्छी बात कह रहे, हमारे मन में अच्छी बातें पैदा हुई, कथा ने बड़ी कृपा की। वो क्या है? वो अंतकरण साफ होता है। आप एक बर्तन को एक बार मांजो साफ होगा, दूसरी बार मांजो, तीसरी बार मांजो, जो जो आप उसको मांजते जाओगे त्यों त्यों वो बर्तन बहुत चमकीला होता जाएगा, क्योंकि चमक तो उस बर्तन में है। कचरा बाहर से आ गया, काट आ गया बाहर से, ऐसे ही आपका हृदय तो पवित्र है ही, निर्मलता आपकी है ही। वो निर्मलता सुनने में तल्लीनता रहती है तो निर्मलता अभिव्यक्त तो होती है। कहते साहब कथा बड़ी अच्छी हुई, कथा क्या अच्छी हुई, आपका अंतःकरण अच्छा हो गया। कांच है जितना साफ करेंगे सूर्य की किरणों को साफ पकड़ेगा वो, और कांच के ऊपर मिट्टी लगी हुई है तब तो इतना साफ नहीं पकड़ेगा। तो हमारे राजा बोलते हैं कि महाराज आपको जो भक्त भसते हैं उनके अंदर एक नया नया प्रेम पैदा होता है। आपने यदुवंश में अवतार लिया, अब देखो इसमें कहीं संतों की कोई और महिमा या संतों की पूजा की ये नहीं आएगा। यहां साधु संतों की विशेष बात नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? कि संत थे वो अपने रूप में थे, वो तो चले गए श्रुतदेव के या ब्राह्मण के या,
और यहाँ केवल भगवान ही संत के रूप में आए, भगवान भी है और संत भी है, वो संतों का रूप भगवान ने बना लिया। तो कहते हैं महाराज आपको हम नमस्कार करते हैं, आप अपना त्रिलोकी में शांति प्रदान करने के लिए और संसार का मैल धोने के लिए आप यदुवंश में अवतार आए हैं, अवतार लिए हैं, ये महाराज आपकी एक विशेष कृपा ही है। ऐसे भगवान वहां रहे और कई दिन तक वहां रहे। इसी प्रकार से अब सुखदेव के वहां पर पहुंचे, तो देखो सुखदेव के यहां पर पहुंचे तो सुखदेव ने क्या किया कि सुखदेवो अच्युतम प्राप्तम, भगवान को अपने यहां आया हुआ देखा तो भगवान की पूजा की और नत्वा मुनि और ऋषि मुनियों को प्रणाम किया, मुनियों को ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और धुनवन वासो ननार्थ, कितना सीधा और भोला भला है वो, हाथ में कपड़ा ले लिया और नाचने लग गया, कपड़ा लेके नाचने लग गया, कितनी सरलता बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज, क्योंकि वो खुद वहां थे, धुनवन वासो ननार्थ है, नाचने लग गया। हमारे राजा की इतनी बड़ी बात नहीं बताई, वही वो चरणों में गिर गया और ठीक है, लेकिन ये जो बता रहे हैं कि वो कपड़ा हाथ में लेकर के नाचने लग गया, बड़ी विचित्र बात बताई है सुखदेव जी ने। और उस ब्राह्मण के पास घर में था क्या, चटाई थी, चटाई पर बैठा दिया, आओ महाराज बैठिए, सबको बैठाया, भगवान को भी बैठाया। और उस समय में स्नापयान चक्र उद्धर्षो लब्ध सर्व मनोरथ है, भगवान मिल गए, सारा मनोरथ, भगवान और संत मिल गए, उसका मनोरथ तो यही पूरा हो गया सब। देखो भगवत मिलन के बाद एक संत मिलन की इच्छा होती है, आप देख लो कहीं पर भी। कल जिस ब्राह्मण ने भगवान से कहा ना, वो भगवान से मिल के आया तो यही कहा कि संत मिलन दीजिए, संपत्ति मिलन की जरूरत नहीं है, संपत्ति से मिलाया, संत से मिलाओ हमको, संत से। अक्रूर जी ने भी यही कहा कि महाराज संत मिलन दीजिए हमको, संत मिलन। भगवत मिलन बहुत ऊंची चीज है, लेकिन संत मिलन उससे भी ऊंची चीज है। ये महाराज इनको संत मिलन हो गया तो लब्ध सर्व मनोरथ है, अब फल जल्द सामने था, सामने रख दिया और मन में सोचने लगा कि देखो मेरे जैसे कि यहां भगवान आ गए, बताओ मैं तो वास्तव में घर गृहस्थ के कुएं में पड़ा हुआ था, मैं तो बस घर गृहस्थ का कुआ, कुआ होता है ना, कुएं में रहने वाले का उतना ही संसार होता है, ऐसे ही अपने घर में, अपने बाल बच्चों में, अपने में रहना, ये कुएं में रहने वाले के समान, और भगवान यहां आ गए बताओ। सबको बैठाया, सबको प्रणाम किया और सुखदेव कहने लगे महाराज इससे बढ़कर और कोई हमारे सामने झांकी आ नहीं सकती है, भगवान विराजते हो और संत विराजते हो, उनके हम दर्शन करें, इससे बढ़कर नेत्रों के लिए कोई दूसरी झांकी हो नहीं सकती है महाराज। कैसी विचित्र आपकी कृपा है, सोया हुआ पुरुष जैसे अपने मन से स्वप्न की सृष्टि बनाता है, ऐसे आप अपने संकल्प से कितने कितने ब्रह्मांड बना लेते हैं, और स्वप्न को बनाने वाला जैसे स्वप्न के अंदर रहता है और उससे अलग भी रहता है, ऐसे आप इनको बनाने वाले भी और उससे अलग के अलग भी रहते हैं। इसका ज्ञान होता है कब, जब व्यक्ति अपने अंदर अपने को देखता है तब उसको ज्ञान होता है, अपने अंदर, अपने अंदर देखना चाहिए। निर्णाम संवदताम अंतर हृदय भाष्यमलात्मनाम, जो कर्मों में लगे हुए रात दिन उठे बस सब काम में लगे, भगवान की कोई पूजा है न कोई बात है न कोई कुछ नहीं, कोई आराधना नहीं, सुबह से लेकर शाम तक कामों में लगे हुए, उनके लिए भगवान बहुत दूर है, हृदयस्थोपी अति दूरस्थ है। और जो हरदम भगवान का स्मरण करते हैं, रोते हैं, बिलकते हैं, अरे भगवान मिले, भगवान मिले,
तो संत कहते हैं भगवान आपको तो मिले मिलाए, जो मिलता है वो भगवान ही मिलता है। आपको क्या मिला हुआ है, आपको क्या मिला हुआ है, वो मिला हुआ भगवान है। कि हमको तो शरीर मिला हुआ है, शरीर मिला हुआ का है, शरीर तो छूट रहा है। मिला हुआ वो है होना चाहिए जो कभी छूटता नहीं हो, कभी हमसे अलग नहीं होता, वो मिला हुआ होता है। तो वो तो साहब शरीर छूटता है, तो शरीर छूटता है तो भाई एक चीज मिली हुई भी है आपको, जिस मिली हुई के कारण से छूटने वाला शरीर भी मिला हुआ दिखता है। हाँ वो क्या है, अब वो जो भी है वो भगवान है। और काल रूप से भगवान इस संसार में साफ दिखाई देते हैं। सेठ जी ने कहा जयदयाल जी ने कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, कभी घूमते फिरते जो पुराने खंडहर होते हैं, मकान होते हैं, राजाओं के महल वगैरह होते हैं, और अपने नगर में गांव में कोई बहुत पुराने मकान होते हैं, उनके पास खड़े होकर विचार करना चाहिए कि ये मकान कभी बनाया होगा, किस प्रकार से देखो सामान लाके बनाया होगा सब, क्या आज देखो ये क्या दशा है। उन खंडरों के वहां पर बैठ करके आदमी को सोचना चाहिए, उसको वैराग्य होता है उससे। घर के पास से यदि मुर्दे की सवारी निकलती है तो कहा कि उस मुर्दे की सवारी को देखना चाहिए, पुण्य होता है, क्योंकि मुर्दे की सवारी को देखते ही अपनी मृत्यु का ज्ञान होता है। अरे ऐसा ही हमारे यहां से सवारी निकलेगी ऐसी। ये दो तीन कारण ऐसे कि इनको बराबर आदमी को ध्यान देते रहना चाहिए। तो पुराने खंडर होते हैं वहां जाकर बैठो देखो, अरे किसी जमाने में तो ये बड़े उत्साह से बनाए गए थे, आज इनकी क्या दशा हो रही है, ये दशा सब जगह होने वाली है, किस में मोह करें, किस लिए मोह करें, ऐसे सोचना चाहिए। वो बात यहां बता रहे हैं। अनात्मने स्वात्म विभक्त मृत्यवे, आत्म पदार्थों में तो आत्मा रूप से आप हैं, अनात्म पदार्थों में काल रूप से आप उसमें रहते हैं। तो महाराज सब मनुष्यों की मनुष्यता आकर यही समाप्त होती है कि आपके दर्शन हो जाए, आपको प्राप्त हो जाए, बस मनुष्य जीवन सफल हो गया, उसकी दृष्टि सफल हो गई। भगवान ने कहा ओम ब्रह्म सुखदेव जी, आप हमारी स्तुति तो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, परंतु संत महात्मा होते हैं ना ये बहुत ऊंचे होते हैं। ब्राह्मण होता है वो जन्मना श्रेयान, जन्म से ही ऊंचा होता है। लोग कहते हैं कि कर्म से जाति माननी चाहिए, कर्म से, अरे कर्म से जाति मानेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। कि साहब ब्राह्मण तो है लेकिन कर्म नहीं करता, और कोई दूसरा है दूसरी जातिकार वो ब्राह्मण जैसा कर्म करता हो तो नहीं, ब्राह्मण से देखो संतों की कई भी बात है, ब्राह्मण होकर के जो ब्राह्मणोचित कर्म नहीं करता वो तो बहुत पतित ब्राह्मण में माना जाता है। परंतु जो व्यक्ति ब्राह्मण शरीर में नहीं है लेकिन ब्राह्मण के ब्राह्मण से भी ज्यादा उसकी भगवान में भक्ति है, ब्राह्मण में इतनी भक्ति नहीं और भगवान में ज्यादा भक्ति है, तो ब्राह्मण का भी आदरणीय हो जाता है। भाई जी ने कही ये बात। एक बार एक छोटी जात के एक आदमी आ गए थे वहां, और जो है कई बकवास करने की ऐसी कैसी जातियां होती है, होता ही है प्राय करके। तो उस समय भाई जी ने कहा कि देख भाई हम तुमको रामायण देते हैं, तुम रामायण पढ़ो। तो रामायण पढ़ी, एक बार पढ़ी उस पर असर हुआ, दो तीन बार पढ़ा तो भाई जी के पास आया कि भाई जी मेरे तो ये अच्छा लगता है, ये जाति व्यवस्था हुई अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि महाराज जाति व्यवस्था में हम लोगों को छोटा बताया गया है,
तो छोटा तो बहुत अच्छा होता है। एक तो छोटे पर भार नहीं पड़ता, एक छोटा सबका लाड प्यार का पात्र होता है, और एक छोटे में घमंड नहीं होता। छोटा होना तो बड़ा अच्छा है भाई जी। इतने दिन तक मुझे पता नहीं था, मैं समझता था कि इन लोगों ने जाति वगैरह बना के हमको छोटा बताया, हमको अपमानित करने के लिए। अपमानित करने के लिए नहीं बनाया महाराज, हमको निराभिमानी बनाने के लिए किया। और ब्राह्मण लोग हैं, हरदम अपना कर्म करते रहते हैं, इसलिए उनका अभिमान है वो कम होता रहता है। और हम लोग महाराज झूठा ही कभी कभी अभिमान कर लेते हैं। नहीं नहीं, हमको तो बहुत अच्छा मौका मिला है। जाति का तो अभिमान बड़ा खराब होता है, वो अपना आप ही कहने लगा सब। और कोई पूछता कि भाई तुम कौन हो, तो भाई वो बता देता कि मैं छोटी जात का हूं। कि मुझे ऐसा कहने में आनंद आता है कि मैं छोटी जात का हूं, माने मेरे पर कृपा करो, ऐसा लगता। भगवान कहते हैं ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान, ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो अपनी श्रेष्ठता समझे और पतन का मार्ग न अपनाए, इसलिए श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ इसलिए है कि पतन का मार्ग न अपनाए। अरे मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं, ऐसे अपने पतन का मार्ग न अपनाए, इसलिए उसके लिए कहा। और कहा कि देखो भाई, साधु संत महात्मा होते हैं, ये मेरा ही स्वरूप होते हैं, इसलिए जैसी तुमने हमारी पूजा की ऐसे इनकी भी पूजा करो। तब उन्होंने हमारी भी खूब पूजा की, और उसके बाद जो है वहां भगवान कई दिन तक रहे, फिर दोनों भक्तों को राजी करके और भगवान द्वारिका में आ गए। अब ये कथा दी है, ये कथा सुखदेव जी महाराज इसलिए बताते हैं कि भगवान के यहां किसी का कोई पक्षपात नहीं है। और दूसरी बात एक इसमें विशेष बात भगवान बताते हैं, ये सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि भगवान कैसा है। भगवान का स्वभाव हमने उस दिन देखा। क्या देखा? अंतिम श्लोक पर विचार करो, एवं स्वभक्तयो राजन। भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान होते हैं वो भक्त की भक्ति करते हैं, और भक्त होता है वो भगवत भक्तिमान होता है। भक्त तो भगवान की भक्ति करता है और भगवान भक्त की भक्ति करते हैं। अब हम जितने जितने भगवान में अनुराग करते चले जाएंगे, भगवान का हमको उतना उतना अनुराग मिलता चला जाएगा। एवं स्वभक्तयो राजन, भगवान भक्त भक्तिमान। ये भक्त भक्तिमान पद भागवत में एक जगह आया है, भक्त भक्तिमान, और सारी भागवत में नहीं मिलेगा। माने भगवान के प्रति की हुई भक्ति हमारी कभी भी भगवान व्यर्थ नहीं जाने देते। और सारी उम्र लगा दो संसार के साथ प्रेम करने में, संसार की तरफ से आपको कोई प्रेम नहीं मिलेगा। शरीर से खूब प्रेम करते हैं, बदले में क्या मिलता है? रुपए से बहुत प्रेम करते हैं, बदले में क्या मिलता है? परिवार वालों से खूब प्रेम करते हैं, बदले में क्या मिलता है? और भगवान से प्रेम करते हैं तो बदले में क्या मिलता है? भगवान के लिए हम रोते हैं तो भगवान हमारे लिए रोते हैं। और भाई, संसार के लिए हम रोते हैं तो रोते रहो, संसार तो स्वार्थ होगा तो करेगा नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी से किसी का कोई मतलब नहीं। ये स्वार्थ के अंदर पड़ा हुआ व्यक्ति बेचारा आगे सुख मिलेगा, आगे सुख मिलेगा, इस बहम के अंदर मर जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे मृग तृष्णा में जल देखने वाला हिरण प्यासा ही मर जाता है, मरुभूमि में मर जाते हैं बेचारे, जंगलों में दूर दूर तक पानी नहीं होता। इसलिए पास पास के गांव वाले क्या करते हैं, दूर दूर में खेलिए बनाए हुए रखते हैं, कोई ठाव रखते हैं बड़े बड़े, बेचारा कभी कोई हिरण आ जाए पानी पी ले। गांव के अंदर तो आ नहीं सकता वो, और भी कोई जानवर है बेचारा पानी पी ले, हिरण मर जाता है बेचारा।
वहां पानी है, दौड़ेगा वहां पानी। अब प्यास तो है, दौड़ेगा और फिर निराश होता है, फिर आगे दौड़ेगा, मरेगा। ऐसे हम लोग संसार में सुखों की कल्पना करें, वहां सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख तो सहजा आवसी तृष्णा रोग गया। तृष्णा की बीमारी जाएगी तो सुख आएगा, वो सुख मिलने वाला नहीं है। हमारे भगवान कैसे हैं, अपने भक्त से भक्ति करते हैं। तो देखो वो भगवान उसकी भक्ति स्वीकार करके वापस भगवान उसको अपना अनुराग देते हैं ना, इस कारण से एक बार भक्ति की लाइन पकड़ लेने के बाद दोबारा वो लाइन छूटती नहीं है। क्यों? अब भगवान ने पकड़ लिया, इसलिए नहीं छूटती। एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान उषित्वादिश्य सन्मार्गम पुनर्द्वारवते मगात। दोनों को अच्छा मार्ग बता दिया, द्वारिका में आ गए। अब दोनों को उपदेश दिया ना, यहां परीक्षित ने प्रश्न किया है। देखो भाई, अब ये जो कथा आ रही है, ये जो भाग आ रहा है ना, ये भागवत का हृदय भाग है। हृदय खास बात है, ये बहुत विचित्र कथा है यहां। अब ये कहना तो चाहिए था, ये कहना तो चाहिए था हमारे एकादश स्कंद में, ज्ञान की इसमें बहुत बात है, परंतु इसको दसम स्कंद में कहा है। और दसम स्कंद में भी कहां कहा है, आगे प्रेम की कथा आएगी उससे पहले कहा है, क्योंकि प्रेम की बात कब समझ में आएगी, जब ये ज्ञान की ऊंची बात समझ में आ जाएगी तब प्रेम की बात समझ में आएगी। इसलिए भाई आप इस कथा को जो है विशेषता से ध्यान में देंगे, विशेषता से, इतनी ये महत्वपूर्ण है कथा। उपदेश भाग इसमें बड़ा विचित्र है, ये वेद स्तुति का प्रसंग है। वेद स्तुति का जो प्रसंग है इसमें शब्दावली बड़ी सरल है, परंतु इसका अर्थ बड़ा गंभीर है, समझ में नहीं आता है। भागवत कृपा करते हैं, संत कृपा करते हैं, तब इसका मामूली सा ज्ञान होता है। और विद्यावताम भागवते परीक्षा, पढ़ने वाले जो विद्या वाले हैं, माने जिनको भजन साधन में रुचि है और जो संस्कृत को भी जानते हो, उनकी परीक्षा इसी जगह होती है। इसी जगह बड़े बड़े जो दर्शनाचारी हैं, उनकी भी परीक्षा यहां होती है। कितने दर्शनों की बातें आती है इसमें, इतने बड़े तो भाई अपने लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, हम लोग इतना हम जानते भी नहीं, परंतु इतना जरूर है कि इसकी तरफ थोड़ा सा भी विचार करेंगे, इसमें ज्ञान की बातें बातें बहुत मिलेंगी अपने को। तो सरल करके बोलने का विचार है, आप लोग जो है बहुत प्रेम से सुनते रहेंगे। एक ऐसी देखो जैसे मिश्री होती है ना, मिश्री होती है वो लेकर के चबाने की नहीं होती है, मिश्री होती है वो चोष्य होती है, चोष्य चूसने लाएगी, चूसते रहो, उसका स्वाद है मिश्री में से आता रहता है। अपने गले का पानी, गले का रस और ये मिश्री का रस, दोनों रस मिलते हैं, एक मिठास अंदर जाती है और वो मिश्री का रस अंदर जाकर पित्त को शांत करता है और अंदर जो कुछ गर्मी बढ़ी हुई है गर्मी को भी शांत करता है। और मिश्री स्वयं मीठी होती है, वो चूसने पर ज्यादा स्वाद देती है। मिश्री को यदि दांतों से चबा के खा जाओगे तो इतना स्वाद नहीं, इतना वो भी नहीं, इतना गुड़ भी नहीं, वो चूसने लायक होती है। ऐसे और कथाएं हैं, वो कथाएं तो अपने ढंग से, और ये कथा कैसी मिश्री के समान चोष्य, इसको तो चूसते रहो, वाह 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 ऐसे चूसते रहो इसको। तो आप प्रेम से सुनना देखो अब इस कथा को। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी पूछ रहे हैं,
ब्रह्मन् ब्रह्मण्य निर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सदस सतः परे। महाराज हमने सुना है, आपने भी बताया है, आप भी जानते हो कि परब्रह्म परमात्मा है, ये सद असतः परे, कार्य और कारण से परे है, वो इस जगत से बड़े ऊंचे है परमात्मा। और ये हमारी जो वाणी है, श्रोत्र है, कान है, वाणी है, ये प्रकृति की एक चीज है, ये प्रकृति से बनने वाली होती है। हमारी इंद्रियों की वृत्तियां हैं, ये प्रकृति से बनी हुई है। तो और ये वेद है, वेदों का भी संचरण है, वो परब्रह्म परमात्मा में कैसे हो सकता है, क्योंकि वेद गुण वृत्तय श्रुतय है, ये केवल संसार की बात को ही बता सकने वाले होते हैं। परमात्मा के विषय में वेद पहुंच कैसे सकता है, क्योंकि वेद तो संसार में, परमात्मा तो संसार से अतीत है, और वेदों की पहुंच है वो गुणों के अंदर ही है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तक वेदों की पहुंच होती है, और परमात्मा निर्गुण है। निर्गुण परमात्मा, सगुण वेद, इन दोनों का मेल ही कैसे हो सकता है। निर्गुण परमात्मा का वर्णन सगुण वेद कर नहीं सकते, फिर भी करते हैं। इसका अर्थ क्या है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, जरा समझाओ। तो सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि देखो, निर्गुण परब्रह्म परमात्मा का वर्णन सगुण श्रुतियां कैसे करती हैं? करती तो भाई कैसे हैं, ये तात्पर्य से करती है, तात्पर्य से, साक्षात नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा प्रश्न ही ऐसा ही है, तुम्हारे प्रश्न से यही उत्तर निकलता है कि निर्गुण का वर्णन सगुण कैसे करती है, इसका अर्थ नहीं करती है, तो हम भी कहते हैं नहीं करती है, पर तात्पर्य से निकले, तात्पर्य से देखो, तात्पर्य के लिए क्या है कि तात्पर्य जब निकाला जाता है तो वहां पर शब्द और अर्थ से आदमी हट करके नई चीज देखता है। जैसे किसी से कहा जाए, भाई तुम्हारा घर कहाँ है? क्या हमारा घर तो गंगा जी में ही है, गंगा जी में ही हमारा घर है, तो गंगा जी में घर है, इसका अर्थ है गंगा जी के अंदर घर है, गंगा जी के किनारे घर होगा भाई, गंगा जी के किनारे होगा, गंगा जी के थोड़ा तट पर होगा, गंगा जी के अंदर घर है क्या? कहा गंगायाम घोष है, गंगा जी के अंदर ही है, अंदर तो नहीं है, बह जाएगा घर, बह जाएगा। झोपड़ी घोष बोलते हैं, ये जो घोषी लोगों के जो घर होते हैं, जो गाय भैंस बांधते हैं, वो घोषी लोग बोलते हैं ना, घोषी, आपके घर घांची बोलते हैं, वो घोषी है, उनका जो घर होता है वो घोष कहलाता है, गंगायाम घोष है। तो शब्द ने क्या कहा कि गंगा के अंदर ही हमारा झोपड़ा है, वो समझने वाला क्या समझता है, समझने वाला समझता है कि भाई इसका घर है गंगा जी किनारे, बड़ा ठंडा घर है और बड़ा पवित्र घर है। अब ठंडा और पवित्र दोनों ही देखो, यहां शब्द के द्वारा नहीं कहा गया, तात्पर्य से मालूम है, तात्पर्य से। तो शैत्य पावनत्वादि की प्रतीति यहां तात्पर्य से होती है। ऐसे ही वेदों ने जो भगवान का वर्णन किया है उसका हमको तात्पर्य लेना चाहिए, ये अर्थ है। और वो तात्पर्य कैसे निकाले, तो सुखदेव जी कहते हैं, बुद्धि इंद्रिय मन प्राणान जनानाम असृजत प्रभु,
मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने अकल्पनाय च। भगवान ने हमको शरीर दिया, शरीर को रखता कौन है? प्राण। प्राण है तो शरीर जिंदा है, और प्राण निकल जाएगा तो मर जाएंगे। और मृत्यु कोई बड़ी बात थोड़ी, मृत्यु से घबराते हैं अपने लोग, हम लोग घबराते हैं मृत्यु से, मृत्यु आ जाएगी। मृत्यु है, प्राण निकल गया इसका नाम मृत्यु है, प्राण है इसका नाम जिंदगी। इसके अलावा कोई जिंदगी का महत्व नहीं है। महत्व तो यह है कि हम करते क्या है, सीखते क्या है, जानते क्या है, ये है खास बात। तो कहा कि ये प्राण है, ये शरीर धारण करता है, और इंद्रियां है वो क्या करती है कि इंद्रियां है वो सत्संग में शब्द सुनती है, कहने वाला तो कहता है और सुनने वाला सुनता है, और मन होता है वो उस चीज का मनन करता है, और बुद्धि कहे वो निश्चय करती है। तो शरीर, प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब हमारे लिए क्यों है कि मात्रार्थम, वो हमारे लिए अर्थ प्राप्ति के लिए, और भवार्थम धर्म प्राप्ति के लिए, आत्मने माने काम प्राप्ति के लिए, और अकल्पनायच है और हमारी मुक्ति के लिए। धर्म ये पहले तो है अर्थ, फिर धर्म, फिर काम और फिर मोक्ष, ये क्रम है यहां। इन चारों के लिए चार चार पुरुषार्थ है। और स ऐसा उपनिषद, यही उपनिषद है, ऐसा उपनिषद। ऐसा का अर्थ है निकटतम, निकटतम है मुक्ति, मुक्ति हमारी मुख्य है, यही उपनिषदों का सार है। धर्म अर्थ काम मोक्ष में से मोक्ष को सबसे ज्यादा महत्व दिया हमारे पूर्वजों ने। इस बात को जो ठीक ढंग से धारण करता है और संसार में कहीं ममता नहीं रखता, क्षेमम गच्छेद अकिंचन है। मैं तुमको एक बहुत बढ़िया कथा सुनाता हूं, सुनो परीक्षित। भगवान नारायण ने सुनाई थी, नारद जी को सुनाई थी। एक बार नारद जी महाराज खूब लोगों में घूमते घूमते बड़े प्रेम के साथ सनातन भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए बद्री का आश्रम में आए। भगवान नारायण बद्री का आश्रम में भारतवर्ष में क्यों रहते हैं कि लोगों का कल्याण करने के लिए, क्षेमाय और स्वस्थये। देखो क्षेमाय माने इस लोक में लोगों को शांति मिले, और स्वस्थ माने मरने के बाद परलोक में शांति मिले। इस लोक में भी शांति मिले, परलोक में भी शांति मिले, इसलिए भगवान यह भारतवर्ष में विराजमान रहते हैं। और वे भगवान तपस्या करते हैं, तप आस्थित हैं। पर देखो तपस्या तो दुनिया भी और भी कोई करते होंगे, पर तपस्या कैसी होनी चाहिए मनुष्य की? धर्म ज्ञान समोपेतम, ये धर्म से युक्त तपस्या हो और ज्ञान से युक्त तपस्या हो, शांति से युक्त तपस्या हो, लोगों को शांति मिले, ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या हो, धर्म की वृद्धि के लिए तपस्या हो, वो तपस्या होती है ना, वो तपस्या भाई भगवान नारायण करते हैं। एक बार भगवान नारायण के पास में कलाप ग्राम के ऋषि मुनि महात्मा लोग आए हुए थे, और वे बैठ करके भगवान नारायण के पास में चारों तरफ बैठे हुए थे, और उनके बीच में नारद जी ने इनमेव अपृच्छत, यही बात जो आप आज मुझसे पूछ रहे हैं कि सगुण वेद निर्गुण परमात्मा का कैसे निरूपण करते हैं, यही प्रश्न उन्होंने किया। उन सब ऋषि मुनियों के सुनते हुए भगवान नारायण जी ने जनलोक के निवासियों को यही उत्तर दिया था। वो जो ब्रह्मवाद हुआ, जो जनलोक में रहने वाले भक्तों का, ज्ञानियों का जो ब्रह्मवाद माने ब्रह्म विषयक चिंतन चला था, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई।
अब देखो भगवान नारायण नारद जी को समझाते हैं वो, इसका अर्थ यह है कि भगवान संतों के उदाहरण से समझाएंगे, संत होते हैं वो भगवान के उदाहरण से समझाते हैं। क्या आपस में दोनों का संबंध है, भगवान तो संतों को लेकर, संत भगवान को लेकर। यो ब्रह्मवाद सर्वेशा पूर्वेशम जन लोक निवासी नाम। कहने लगे देखो भैया हम तुमको एक कथा सुनाते हैं, आओ सुखदेव जी महाराज तो परीक्षित को भगवान की कथा सुनावे कि भगवान के नारद की बातचीत हुई, और भगवान नारद जी को सुनाते हैं संतों की बातचीत हुई। क्या विचित्र देखो ये कथा है, और कैसा विचित्र यहां सत्संग हुआ है। देखो सत्संग संसार का सबसे बड़ा सत्संग हुआ है, और लोग आजकल सत्संग को कैसा मानते हैं। लोग आजकल ये नहीं देखते कि सत्संग में क्या बात चली, ये नहीं देखते सत्संग कैसा हुआ। भाई सत्संग में खूब लोग आए साहब, खूब लोग आए, खूब भेंट पूजा हुई, खूब जय जयकार हुई, खूब नाच गान हुआ, खूब बढ़िया हुआ, खूब ऐसा हुआ, इसको बढ़िया मानते हैं। अरे बताया क्या, सुना क्या आपने, सुना क्या बताया क्या ये पता नहीं है। हमारे भगवान नारायण बोलते हैं कि इतना बढ़िया सत्संग हुआ, इतना बढ़िया सत्संग हुआ। अच्छा महाराज वहां सुनने वाले कितने थे, सुनने वाले 3 थे और सुनाने वाला तो एक ही होता, तो 1 थे सुनने वाले 3। हाँ तो भीड़ नहीं थी वहां। अरे सब्जी मंडी में भीड़ बहुत होती है, जोरी बाजार में भीड़ होती है क्या। उम्र भर तक सब्जी बेचने वाला लाख रुपए की सब्जी रोज नहीं बेच सकता, और जौहरी बाजार में बैठा हुआ जौहरी एक हीरे की कीमत है कोई 50 करोड़, कोई 60 करोड़, कोई 70 करोड़। वो एक दिन में कभी सौदा हो गया तो 4-5 वर्षों का सब उसका खर्चा सब निकल जाता है। 70 करोड़ 75 करोड़ का हीरा निकलता है तब तो वहां हीरे के जो पारखी होते हैं वहां भीड़ थोड़ा ही होती है। जौहरी बाजार में जौहरी के पास में कभी भीड़ नहीं लगती। सोने की बड़े बड़े प्रदर्शनियां हैं उसमें लाखों रुपए का सोना मिलता है, वो आभूषण, वहां भीड़ नहीं लगती। भीड़ तो वहां रहती है भाई जहां सस्ती चीज मिलती हो, वहां खूब भीड़ रहती है। ऐसे ही यहां सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि भगवान नारायण ने बताया कि सत्संग वो होता है जिसमें विषय की गंभीरता होती है। विषय कितना गंभीर है, कितना बढ़िया है, हमारे हृदय को कितना छूने वाला है, हमारी आदत कितनी सुधरी, स्वभाव कितना सुधरा, हमारा भाव भगवान में कितना बना, संसार से आसक्ति कितनी छूटी, ये जहां सीखा जाए वो सत्संग बड़ा होता है, चाहे भीड़ एक ही हो। तो बताते हैं कि वहां जनलोक के अंदर ब्रह्म सत्र हुआ, और वहां जो ऊर्ध्वरेता महापुरुष ज्ञानी महापुरुष वो इकट्ठे हुए, और वो इकट्ठे हुए और वो बात करने लगे। इकट्ठे हमको 3 जने आए साहब, सनकादि ऋषि, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये 4 थे। चारों में 3 जो है वो तीन चारों के चारों वो बराबर स्वभाव वाले, बराबर शत्रु मित्र के अंदर भाव रखने वाले, और बराबर ही उनका ज्ञान, बराबर ही उनकी तपस्या, कोई कम नहीं है। वक्ता और श्रोता में कोई स्थिति में भेद हो, उच्च स्थिति में भेद हो, ऐसी बात नहीं है। वहां पर भी यही बात चली, ब्रह्मवाद सुसमृत श्रुतयो यत्र शेरते, यही ब्रह्म ज्ञान की चर्चा चली थी, जहां श्रुतियां भी शेरते माने शेते शयाते, शेरते माने सो जाती है, श्रुतियां चुप हो जाती है, बोल नहीं सकती है। जो तुमने प्रश्न किया वही प्रश्न वहां पर भी चला था कि श्रुतियां एकदम चुप हो जाती, क्या बोले श्रुतियां, सगुण श्रुतियां हैं, निर्गुण ब्रह्म के बारे में क्या बोलेंगे।
और अपि चक्रु प्रवचनम एकम सुसुसवे परे अपरे सुसुसवे, दूसरे तो सुन रहे हैं और उन सुनने वालों ने एकम प्रवचनम चक्रु, एक को प्रवचन करता बना दिया कि तुम प्रवचन करो, तुम तो हमको प्रवचन सुनाओ हम सुनते हैं। तो इसमें सुनने वालों की मुख्यता है, सुनाने वाले की मुख्यता नहीं है, क्योंकि सुनने वाले सुनाने वाले से ज्ञान में तपस्या में स्थिति में भाव में विवेक में कहीं भी कम नहीं है। अरे अरे सुनाओ यार थोड़ा सुनाओ, क्यों सुनेंगे, अंदर वो विषय जाएगा प्रतिपादित होगा विषय, फिर उसको हम अंदर ही अंदर जैसे गाय है वो घास खाके उगाली करती है, वो उगाली करती है ना उससे गाय का शरीर बनता है। यदि गाय उगाली ना करे तो गाय रखने वाले को चिंता होती है कि आज गाय उगाली क्यों नहीं कर रही, कुछ न कुछ खराबी है, गाय के पेट में कोई न कोई गड़बड़ है, उगाली नहीं कर रही है, उगाली करती है अब ठीक है था, उगाली करने लग गई। ऐसे ही संत महापुरुष भी सुने हुए उस परब्रह्म परमात्मा के विषय में अंदर ही अंदर खूब चिंतन करते करते जब तक उसमें डूबते नहीं है तब तक भाई उसका स्वारस्य नहीं मिलता, डूब जाए उसमें। ऐसी एक कथा ऐसी बात चली थी। तो क्या बात चली कि महाराज ये श्रुतियां वर्णन कैसे करती हैं और उनमें इतना सामर्थ्य कहां से आता है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा तो उस समय में रहते हैं और श्रुतियां तो भगवान के अंदर लीन हो जाती है। जब लय काल रहता है, लय काल प्रलय काल, उस समय सब श्रुतियां सोई भी रहती है, तो उस समय में ये वर्णन कैसे करती है, क्योंकि श्रुतियां भी तो भगवान में लीन हो जाती, सारा संसार लीन हो गया। स्वश्रेष्ठम इदम आपीय, आपीय आपीय माने आसमंतात, पी माने पीत्वा, पी करके, यहां पर तो त्वा होगा नहीं, त्वा के साथ में लेप हो जाएगा, माने खूब उसको पी लिया है। स्वश्रेष्ठम इदम आपीय, अपने द्वारा बनाई हुई सृष्टि को जब भगवान अपने में लीन कर लेते हैं उस समय में श्रुतियां भगवान को जगाती है, सोते हुए को जगाती है। अरे श्रुतियों ने कैसे जगा दिया, सब सो गए पर श्रुतियां क्यों नहीं सोई, कि श्रुतियां हैं वो भगवान के आदेश के अनुसार जागती रही। जैसे एक राजा है वो सोने से पहले अपने सेवकों को बोलता है कि भाई हमको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगा देना, हम सो रहे हैं। तो राजा सोता है, उस समय में जो ही ब्रह्म मुहूर्त होता है कि भाई अब 3 बज गए उठ जाओ, तो वो क्या करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में राजा को जगाते हैं, उस समय में वो भजन गाते हैं, राजा की स्तुति करते हैं और वे अपने वीणा बजाते हैं, मधुर मधुर वाद्य धीमे धीमे यंत्र बजाते हैं, क्यों, राजा को जगाने के लिए। अरे राजा के राज्य में सब सो रहे हैं तुम क्यों जग रहे हो, हम इसलिए जग रहे हैं कि हमको राजा वृत्ति देता है, हमको तनख्वाह देता है, हम राजा के नौकर हैं इसलिए हम राजा को जगा रहे हैं, राजा का अधिकार है, ठीक, कोई नहीं बोलता, कोई मना नहीं करता। ऐसी श्रुतियां भी प्रलय काल के समाप्ति की वेला में स्वयं जग करके भगवान को जगाती है और स्तुति करते हुए बोलती है, जय 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 अजाम अजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जगदोक साम अखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिद जयात्मनाथ चरदोनुचरेन्निगम। श्रुतियां बोलती महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। कि भाई क्यों, क्या बात हुई, तुमने क्यों जय जयकार की भाई, कि बस महाराज आपकी जय जयकार इसलिए करते हैं कि आप हमारे अंदर जो ये माया है, माया उसको आप जीत लो महाराज,
अजाम जही अजाम जही, अजाम माने मायाम, जही माने जीत लो महाराज। जही का अर्थ तो होता है जीत लो भी नहीं, मार दो इस माया को मार दो। हा प्राण त्यागे, ओ हाक प्राण त्यागे, और ओ हाक त्यागे भी होता है, माने आप हमारे इस माया को जीत लो। क्यों भाई, इस माया ने क्या बिगाड़ा? कि दोष गृहीत गुणाम, नाम तो क्या है, गुणमयी माया, देवी येषा गुणमयी मम माया, नाम तो है गुणमयी। गुणमयी का अर्थ सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुण वाली, और महाराज इसमें बहुत दोष भरे पड़े हैं। एक गुणमयी माया दोषों को अपने अंदर धारण की हुई है, आप महाराज इसको समाप्त करो। क्यों भाई, तुम अपने आप समाप्त नहीं कर सकते कि नहीं महाराज? आप सारी शक्तियों को अपने में समेटे हुए हैं ना, इसलिए आपकी शक्ति से ही माया दूर होगी, हमारी शक्ति से नहीं होगी। त्वमसि यदात्मना, ये यदात्मना शब्द है ना, ये बहुत विचित्र अर्थ देने वाला है। आप इस माया, ये माया आप आपसे ही शक्ति पाई हुई है, इसलिए आप अपने स्वरूप से, आप अपने स्वरूप ज्ञान से, आप अपनी कृपा शक्ति से, आप अपने जो है वरद कृपा शक्ति से इसको आप जो है समाप्त कर दीजिए। आप सारे प्राणियों की शक्ति को जगाने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। क्यों भाई, तुमको क्या पता कि हमारे में अनंत शक्ति है? कि महाराज यूं तो पता नहीं चलता, पर जब आप संसार बनाते हैं ना, तब हमको पता चलता है कि ओहो आप में कितनी शक्ति है, कितना समुद्र आकाश सूर्य चंद्रमा तारे पृथ्वी वायु सब कितने कितने प्राणी, असंख्य प्राणी, क्या क्या आपने बनाया है, इससे आपकी शक्ति का अनुमान लगता है। क्वचित अजया और क्वचित आत्मना, और कभी कभी महाराज आप इनको सबको अपने में समेट लेते हैं, केवल आपका एक स्वरूप ही विद्यमान रहता है। तो कैसी आपकी विलक्षण कृपा है, कैसी शक्ति है आपकी। और क्वचित चरता है, और कभी आप रामकृष्ण आदि अवतार लेते हैं, तब आपकी माया का ज्ञान होता है, आपके प्रभाव का ज्ञान होता है। अच्छा अच्छा, हे वेदो, तो मेरी स्तुति तो करती हो, करते हो, परंतु हे श्रुतियों, तुम्हारे अंदर तो देवताओं का खूब विस्तार से वर्णन मिलता है, और तुम मेरी स्तुति के लिए बोलती हो, तो तुम्हारे अंदर इतने देवताओं की स्थिति क्यों हो रही है? कि बृहद उपलब्ध मे तदवयंत्यवशेषतया, महाराज ये देवता कोई आपसे बाहर थोड़ा ही है, ये देवता आपके अवयव है, तो इन देवताओं की स्तुति से आपकी ही स्तुति हो रही है। जैसे किसी आदमी से कहा जाए, अरे भाई तुम्हारा एक घड़ा बड़ा अच्छा है, तो ये घड़ा बड़ा अच्छा है, तो ये किसकी प्रशंसा हुई? ये घड़े की प्रशंसा नहीं है वास्तव, ये मिट्टी की प्रशंसा है। कहां की मिट्टी है भाई? कि मोकलसर का घड़ा है ये, मोकलसर का घड़ा, जिस गांव की मिट्टी बहुत विचित्र बहुत चिकनी होती है, वहां के घड़े वहां की मिट्टी जो है वो काम आती है, चिकनी मिट्टी। ऐसे ही महाराज आपका जो वर्णन, देवताओं का जो वर्णन होता है, वो देवताओं का वर्णन नहीं, वो आप ही का वर्णन है। मिट्टी को कहो, मिट्टी को कहते हैं कि ये तुम्हारा घड़ा बड़ा अच्छा है, इसका मतलब मिट्टी बड़ी अच्छी है। ऐसे ही देवताओं की प्रशंसा में आप ही की प्रशंसा है। अच्छा अच्छा, तो घड़े की प्रशंसा में मिट्टी की प्रशंसा है, तो भाई वो घड़ा तो एक तरह से मिट्टी में से ही बनाना, कि हाँ महाराज मिट्टी में से बना, तो उसने क्या किया कि वो पांच मण मिट्टी थी और एक घड़ा बन गया, तो पीछे मिट्टी कम हो गई,
तो हाँ हो गई महाराज। तो ऐसे ही मेरे से संसार बना तो पीछे संसार कम पे फिर मैं कुछ अंश में कम हो गया होगा। मिट्टी में ऐसे घड़ा बना तो जितना घड़ा बन गया उतनी मिट्टी कम हो गई। ऐसे ही मेरे से संसार बना तो जितने अंश में संसार बन गया उतना मैं कम हो गया। ना ना महाराज, यत उदयास्तम अयौर विकृतेर मृदि वा विकृतात्। मिट्टी में से ही घड़ा पैदा हुआ और मिट्टी में ही घड़ा रहता है। मिट्टी कारण है घड़े का, परंतु वो निर्विकार कारण नहीं है। लेकिन आप संसार के निर्विकार कारण हो, आपसे पैदा होता है, आप में लीन होता है, पर आप में कोई विकृति नहीं आती। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि महापुरुषों ने विचार किया, अपने मन में विचार करके ये सोचा कि जैसे पृथ्वी पर कहीं पर भी पैर रखो वो पृथ्वी पर ही पैर होता है, चाहे पेड़ पर चढ़ जाओ, चाहे 7 मंजिल के मकान पर चले जाओ, चाहे बम्बई आदि के 10-10, 15-15, 20-20 मंजिल पर चले जाओ मकानों पर, वो पैर तो पृथ्वी पर ही है क्योंकि मकान पृथ्वी पर है। ऐसे हम अपने मन को कहीं भी लगाएंगे अंत में तो वो भगवान में ही जाएगा। कथम अयथा भवन्ति, लोग कहते हैं हमारा भगवान में मन नहीं लगता। संतों को आश्चर्य हुआ, संतों ने भगवान के बाहर तुम्हारा मन गया ही नहीं, भगवान के बाहर ना, भगवान के बाहर आपका मन जा सकता ही नहीं। आप लगा के तो देखो कि महाराज हम मन में याद करते तो हमको तो दुनिया की बातें याद आती हैं। अच्छा क्या याद आता है भाई? कोई आदमी याद आता है, कोई परिवार याद आता है, कोई रुपया याद आता है, कोई जो है राग द्वेष की चीज याद आती है, मकान दुकान याद आती है, यही तो आते हैं, आते तो यही है। अच्छा इनमें भगवान है कि नहीं, ये भगवान से पैदा हुए कि नहीं। देखो कभी कभी इस मन को फटकारा करो, अकेले में किसी को सुनावे नहीं, किसी को भी, अपने आप की मन को फटकारो कि अरे मन तू भगवान के बाहर, चल के तो बता मेरे को, चल के बता, तू चल कहाँ जाएगा बता, दुकान में जाएगा तो दुकान में भगवान तो मिलेंगे, तू भगवान से बाहर चल करके बता मुझे कहाँ है, वहां भी भगवान है। स्त्री में जाएगा तो स्त्री में ही भगवान है, पुत्र में जाएगा पुत्र में भी भगवान है, जो सब जगह भगवान की आस्था रखता है वो व्यक्ति कह नहीं सकता है कि मेरा मन भगवान के बाहर जाता है, भगवान को छोड़ के जाता है, कहां जाएगा, वो सब जगह भगवान है। कहते हैं हम तो पाठ पूजा करते हैं तो भगवान की याद नहीं आती, वो क्यों नहीं आती कि आपने भगवान को अपने से कोई अलग मान लिया ना, इसलिए याद नहीं आती। क्यों नहीं याद आती कि हमने भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ा। यदि संबंध जोड़ करके और भगवान को पुकारते होते तो ये नौबत नहीं आती। परिवार के साथ संबंध जोड़ लिया कि ये मेरा परिवार, ये मेरा घर है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरे पुत्र है, ये ममता का संबंध जोड़ लिया ना, इसलिए याद आता है। अब भगवान के साथ संबंध कर लो, देखो भगवान याद आते हैं कि नहीं आते हैं। भगवान को तो हम याद करते हैं और फिर भी याद नहीं आते, क्योंकि भगवान के साथ हमने संबंध जोड़ा ही नहीं। तो देखो जिसके साथ संबंध जोड़ते नहीं है और उसको याद करना चाहते हैं तो उसे संबंध टूटता है। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधि है। संत लोग कहते हैं कि जहां जहां मन जाए वही समाधि लग जाती है, तो जहां जाए वही। कथम यथा भवन्ति भुवि दत्त पदान इंद्रिणाम। ऐसा विचार करके हमारे संत महात्माओं ने देखा कि भाई संसार के अंदर तो बड़ा दुख है, चलो भगवान की कथा के अंदर जाकर डुबकी लगाए, बड़ी शांति मिलती है उनको, सब जगह भगवान ही है। तो फिर भगवान की कथाओं में, भगवान की बातों में, भगवान के सत्संग में इनके अंदर हमारे मन को ले जाकर डुबावे खूब, और फिर अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो कहना ही क्या है। उससे क्या होता है कि शरीर आदि पर पड़ने वाला काल का प्रभाव अपने पर नहीं पड़ता, मरेगा कौन, शरीर, उसका प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा। एक संत थे, वो मरने लगे तो पूछा कि महाराज आपको कैसा लग रहा है कि यार
जैसे आप मेरे शरीर को मरता हुआ देख रहे हो ऐसे ही मैं देख रहा हूं, ऐसे ही मैं देख रहा हूं। एक संत थे, उनके भयंकर हार्ट की बीमारी हो गई। बद्रीनारायण जा रहे थे पैदल, बद्रीनारायण खूब गए थे वो संत, पैदल गए थे, सूरदास थे, लकड़ी के सहारे से सारे पैदल, भगवत विश्वासों में कूट कूट के भरा हुआ था वो संत। बता दे, एक बार यमुना नदी के किनारे गया, जोर से बाढ़ आई, बाढ़ आती मैं तो बह गया तो मैंने अपने को ढीला छोड़ दिया। हे प्रभु, तुम्हारा ही संकल्प काम आएगा, ऐसे करके मैंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया। जो ही ढीला छोड़ा, वहां पर एक बहती हुई लकड़ी मेरे पास आ गई। ढीला छोड़ते ही लकड़ी आ गई और लकड़ी को पकड़ के फिर बाहर आ गया। ऐसे भगवान के संकल्प पर अपने जीवन को ढीला छोड़ दो। ढीला प्रभु, जैसे तुम्हारा संकल्प होगा वही होगा। हमारे मन की होनी चाहिए। ये क्या है, ये करडास आती है अपने में, करडास आती है। तो वो संत थे, उनको जो है हार्ट की बीमारी हो, वो हार्ट अटैक हो गया उनको जबरदस्त। डॉक्टर लोग आए, देखे कि बाबा तो मरेंगे। अच्छा ठीक है, आप लोग बाहर जाओ। कमरे के बाहर जाके डॉक्टर बैठ गए। बाबा जी के पास केवल एक जो खास उनकी सेवा में था वो ही था। बाबा जी कई देर तक यूं लेटे रहे, ऐसा करते करते बाबा जी इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न हुए कि थोड़ी देर बाद में उनको आकर डॉक्टर ने कहा इनका तो हार्ट अटैक हुआ ही नहीं, मतलब हार्ट अटैक की जो बीमारी समाप्त हो गई। तो उनसे बाद में पूछा कि बाबा आप इतने प्रसन्न क्यों थे। वो कहने लगे, अरे यार, उनकी यार बोली थी कि अरे यार, मृत्यु में जो आनंद है वो मुझे आज तक पता ही नहीं चला। मृत्यु में तो महान आनंद है, मृत्यु में तो सबसे संबंध विच्छेद होता है। कितना आनंद, कितनी शांति होती, सबसे संबंध विच्छेद, कोई हमारा नहीं, किसी से हमारी ममता नहीं, किसी से स्वार्थ नहीं, किसी की कामना नहीं, किसी बात को लेकर अहम भाव नहीं। मृत्यु में तो अलौकिक आनंद है यार, ऐसा बोले। तो किमत पुनः स्वधाम विनुता शय काल गुणा, अपने स्वरूप में जो निमग्न हो जाते हैं स्वधाम, तो फिर वो काल का गुण, कालों का, काल का प्रभाव, गुणों का प्रभाव कैसे पड़ सकता है उस पर। काल आदि का प्रभाव पड़ता ही नहीं, निरंतर भगवान का भजन करते हैं। सांस तो वही लोहार की धूकनी भी लेती है, लोहार की धूकनी भी श्वास लेती है, तो श्वास लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इन श्वासों को हम क्या कर रहे हैं, यदि ते अनुविधा, यदि उस परब्रह्म परमात्मा में लगे हुए हैं तब ठीक है, उसको याद करते हैं तो ठीक है। क्यों उसको क्यों याद करें जी? अजय भाई, यदि हम कृतज्ञ हों तो उसके याद के बिना हम रह नहीं सकते हैं, क्योंकि उसने कैसा उपकार किया, हमको ये ब्रह्मांड में भेजा। महदह मादयो अन्नम सृजन यदनुग्रहत, ये इतना ब्रह्मांड भेजा, पृथ्वी भेजी, वायु श्वास लेने के लिए दिया, आकाश में अवकाश मिला, पृथ्वी पर हमको आधार मिला, अग्नि से भोजन पचा। देखो भगवान के कैसे कैसे उपकार, एक एक उपकार को याद करें तो भाई भगवान के सामने आदमी जीव कुछ नहीं कर सकता, उपकार का बदला चुका ही नहीं सकता है। फिर कहता हम भगवान क्यों माने। जैसे कोई पानी में डूबा हुआ आदमी कहे हम पानी को क्यों माने। अरे तू है कहाँ, पानी में हूं, फिर कहे पानी को क्यों माने। तुम जिस पृथ्वी पर हो, तुम जिस पानी को पीकर प्यास बुझाते हो, तुम जिस सूर्य की अग्नि से प्रकाश प्राप्त करते हो, अग्नि प्राप्त करते हो, ये तुमने बनाई कि हमने तो नहीं बनाई। ये जिसने बनाई है उसका तुम्हारे पर ऋण है कि नहीं, जवाब नहीं है इन लोगों के पास। इसलिए अपने को चाहिए कि जिन्होंने इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाया है, यद अनुग्रहते, जिनकी कृपा से बना है,
उस परब्रह्म परमात्मा को याद करना चाहिए। अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, अनेकानेक कोशों से संपन्न जो ये परब्रह्म परमात्मा हमारे कोशों को संचालित करते हैं, उस परमात्मा को याद करना चाहिए। क्यों कि अवशेषम ऋतम, सबके नष्ट हो जाने के बाद एक वही हमारे पास रहेगा, कोई नहीं रहेगा, हम भी रहेंगे और वो भी रहेगा, रहने वाला वही है, इसलिए उसके साथ में प्रेम होना चाहिए। कई उपासनाएं हैं, चाहे उदर उपासना हो, चाहे जो है हृदय में उपासना करो, किन्हीं भी साधनों से चलो, परमात्मा को एक को प्राप्त करना है। ये जीव अपने किए हुए कर्मों से नाना प्रकार के शरीरों में प्रवेश करता है, पर ये जीव है तो भगवान का ही स्वरूप ना, इसलिए ऊंचे नीचे सब शरीरों में जाता है, पर है वो एक ही जीव, एक ही जीव है, चाहे किसी शरीर में चला जाए। इसलिए अच्छे महापुरुषों ने संसार में कामनाओं का त्याग किया और वे जो है सब निरर्थक बातों को छोड़ करके भगवान के भजन में लगे, एक रस भगवान भजन में लगे। और बोलते हैं कि ये जीव है अपने द्वारा बनाए हुए शरीरों में अलग अलग ढंग से जाता है, और ये जीव क्या है वास्तव में, कि परमात्मा का अंश है कि नहीं, नहीं अंश तो बोलते हैं इसको, वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है, अंश कृतम, ये परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए मनुष्यों ने विचार किया कि सारे शास्त्रों का उद्गम स्थल ये भगवान ही है, अतः उन्होंने आपके चरणों की उपासना की विश्वास पूर्वक, विश्वसिता। देखो भगवान की हम लोग सेवा पूजा तो अपने अपने घरों में यथाशक्ति करते ही है, पर विश्वास नहीं करते। एक संतों ने कही बात परंपरा से सुनी कि भाई भगवान के दर्शन करने वाले तो मिल जाएंगे, भगवान की पूजा करने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, भगवान की भक्ति करने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, पर भगवत विश्वासी नहीं मिलते, भगवान पर विश्वास करने वाले बहुत कम मिलते हैं, भगवान के दर्शन करते हुए भी विश्वासी नहीं मिलते। भगवत विश्वास कोई मामूली साधना नहीं है, बहुत ऊंची साधना है, कोई कठिन नहीं है, पर भाई जब तक नहीं होता है तब तक कठिन ही है। अब कठिन ही है, बहुत कठिन है साहब, अरे बैठे हो इसलिए कठिन लगती है, संसार पर इतना विश्वास कर लिया, चलते ही विश्वास कर लेते हैं, नाई पर विश्वास कर लेते हैं, अनजाना नाई है, उस सामने आकर भाई इजामत कर दो, अब उसके साथ उसके पास छुर्रा है, वो छुर्रे से जरा सा यूं काट देगा तो मर जाएंगे, पर विश्वास है यार। अनजानी मोटर पर विश्वास कर, ये मोटर कहां जाएगी साहब, ये मोटर वहां जाएगी, अब चलो चलो चलो, न ड्राइवर को पहचानते, न कंडक्टर को पहचानते, कुछ नहीं पहचानते, गाड़ी में कहीं मार देगा, एक्सीडेंट कर देगा, कुछ कर देगा, उस पर विश्वास करते हैं, सब जगह विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास करने का जब आएगा तब कई कसौटी लगाएंगे, भगवान कौन भगवान है भाई, कहीं मिले तो देखे, कोई पता चले तो देखे, रुपए पर विश्वास करेंगे, धन पर विश्वास करेंगे कि हमारे कभी काम आएगा, जमीन में गाड़े हुए धन का विश्वास है यही रह जाएगा और मर जाएंगे, पर मर जाएंगे, हमारा विश्वास काम नहीं आया। संसार पर जहां भी विश्वास करते हैं उल्टा विश्वास घात होता है, एक भगवान है जहां पर विश्वास हमारे काम का होता है, लेकिन विश्वास होता नहीं है, कैसे हम नीचे चले गए। कहते हैं जो भगवान पर विश्वास करने वाले हैं, भवत उपासते अंग्रिम अभवम भुवि विश्वसिताः, वो इस संसार में फिर दोबारा जन्म नहीं लेते। ज्ञान की प्राप्ति महाराज बहुत कठिन है, परंतु आपके चरित्रों को सुनकर, लीलाओं को सुनकर, उनमें अवगाह करने वाले लोग बड़े आसानी से अपना संताप दूर कर लेते हैं। ऐसे पुरुष होते हैं वो महाराज मुक्ति को भी नहीं चाहते, मुगति निरादरी भगति लुभा रहे,
क्योंकि उनको आपके चरण कमलों में प्रेम हो गया। और तो प्रेम तो भैया, प्रेम तो एक वृत्ति है। कबीर मनवा एक है, भावे जहां लगाए, भावे हर की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। एक चीज होगी भाई, दो बात तो होगी नहीं, या तो भगवान को प्राप्त कर लो या संसार को कर लो। कहते चरण सरोज हंस कुल संग विश्रेष्ठ गृह। वो घर गृहस्थ से आसक्ति का त्याग कर लेते हैं जो आपके चरणों में प्रेम करते हो। प्रेम की वृत्ति इधर लग गई, इधर लग जाने के बाद अब क्या है, कुछ नहीं है। पदानुपदम कुलायम इदम आत्म स्वरित प्रियव्रत प्रियवत चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च नबतरमन्त्यहो असदुपासनयात्महनो यदनुशया भ्रमन्त्युर्भये कुशरीर भृत। ये शरीर महाराज जब तक आपकी तरफ चलता है तो ये शरीर हमारा बहुत बड़ा मित्र है, बहुत बड़ा साथी है, बड़ा भारी सहयोगी है, बहुत बड़ा हमारा हित करने वाला है। और जब ये आपसे विमुख हो जाए तो महाराज ये इसका कल्याण नहीं होगा, हमारा बड़ा भारी शत्रु है। ये मानव शरीर के बाद जितना भी शरीर मिलेगा इसको कुशरीर भृत, खराब ही शरीर मिलेंगे, या तो दुख पाने के लिए या सुख पाने के लिए। ज्यादा सुख पाना भी दुख ही है, देवताओं को दुख कम थोड़ा ही है, हमसे ज्यादा दुख है देवताओं को। जैसे धनी आदमी को हम लोगों से ज्यादा दुख मोल लेना पड़ता है, देवताओं को उनसे भी ज्यादा दुख पाना पड़ता है। पर बेचारा धनी आदमी तो मानव शरीर में है, जब भी विवेक को काम मिले सुखी हो सकता है, देवता लोग सुखी नहीं हो सकते भाई, देवता लोग नहीं हो सकते। अब देखो एक बात बताते हैं, जो गोपियां है ना, ये वेद की ऋचाएं थी, इसका प्रमाण क्या है कि इसका प्रमाण भागवत है, भागवत। पर वो देखो ये भागवत की शैली है, भागवत कोई बात को सीधी सीधी नहीं कहती है, वो थोड़ा थोड़ा उसको घुमा के कहती है। जैसे कभी कोई पहेलियां आती है अखबार में, पहेलियां आती है, वो कह सीधी सीधी नहीं, थोड़ा सा उसमें अंदर गहराई से सोचना पड़ता है। ऐसे ही गहराई से सोचने पर ये बात आती है, क्या निवृतम मारून मानोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन मुनय उपासते तद अरयोपी अयुस्मरणात। एक बात कह दी कि महाराज नाक को बंद करना, श्वास को चढ़ाना, श्वास को रोकना, प्राणायाम करना, और उस प्राणायाम में भी अनेक प्रकार के प्राणायाम करना, अष्टांग योग से प्राणायाम करना। तो ऐसा प्राणायाम करके बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हुए उन्होंने महाराज अपना कल्याण किया। परंतु हमको तो लगता है कि आपके शत्रुओं का बड़ा आसानी से कल्याण हो गया। जो शत्रु आपके सामने युद्ध करने के लिए आए, लड़े और वही मर गए, लड़े और मर गए, आपका मुख देखते हुए मर गए तो कल्याण हो गया उनका। राम जी के रावण के युद्ध के अंदर रावण की सेना से राम जी की सेना के बहुत से बंदर मारे गए। इंद्र आया कि महाराज सेवा बताओ कि भैया अमृत की वर्षा कर दे ताकि हमारे बंदर जी जाए। अमृत की वर्षा कर दी, बंदर जी गए। कि अमृत ने वर्षा की तो राक्षस क्यों नहीं जीवित हुए? क्या राक्षस क्यों जीवित होंगे? राक्षस तो भगवान का मुख देख देख करके मरे थे, इसलिए उनका कल्याण हो गया। और भगवान की सेना थी वो रावण को देख देख के मरी थी, उनका कल्याण नहीं हुआ, वो जीवित होंगे। वो क्यों जो है राक्षस लोग क्यों जीवित होंगे? तो ऋषि मुनि है वो कितना परिश्रम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और कितना करते हैं। जरा सी प्राणायाम में चूक हो जाए तो भाई पागल हो जाए आदमी, कईयों को देखा है ऐसा, क्योंकि योग्य उनको मिले नहीं और ऊंचा प्राणायाम उन्होंने कर लिया, उसे पागल हो गए, वो पागल बकने लगे, चाहे जैसे बक जाए चाहे जैसे पड़े रहे, दिमाग खराब हो गया। बहुत प्राणायाम के विषय में सावधान रहना पड़ता है। और वो मुक्ति महाराज शत्रुओं की हो गई,
और फिर इन गोपियों की तो देखो, स्त्री और अगेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो वयम अपिते समह समदृशोंग्री सरोज सुधा। आपके स्वरूप के ऊपर मुग्ध होने वाली, सुंदरता पर लट्टू होने वाली जो गोपियां थी, वे गोपियां वयम अपिते समह, ये आई खास बात, वो भी तो हमारे ही समान थी, अर्थात वो गोपियां हम ही तो थी, जैसे हम आपके दर्शन कर रहे हैं ऐसे इस भाव से गोपियों ने आपके दर्शन किए थे महाराज, ये भाव था गोपियों में। वयम अपिते समा और समदृशोंग्री सरोज सुधा, ये ते शब्द आया ना, ये तवते है, ये तवते है। वयम अपि ते समा, वे गोपियां और हम दोनों बराबर के हैं, किसके लिए, तव माने तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए हम और गोपियां अलग अलग नहीं बराबर के हैं, क्यों, अंग्री सरोज सुधा, तुम्हारे चरण कमल में अमृत का पान उन्होंने भी किया और हमने भी किया, हम और वो सम्मानित तो हुए, इसलिए महाराज आपकी प्राप्ति कठिन नहीं है, जरा से प्रेम करने की जरूरत है, एक बार प्रेम करने की जरूरत है। देखो हमारी लाभ है, वो लाभ चली गई, जो है कुएं में चली गई, पूरी पूरी चली गई, एक हाथ बाकी है लाभ, अब एक हाथ एक फुट बाकी है, 300-400 फुट गहरा कुआ है, तो आदमी घबराता नहीं, इतना तो बाकी है, सारे लाभ खींच लेते हैं, अंदर से पानी भरा हुआ जो है कलशा है और है, उसको बाहर ले लेते हैं, बाल्टी बाहर खींच लेते हैं, पर वो एक फुट है वो भी यदि अंदर चली जाए तो मुश्किल है। ऐसे आपके अंदर एक बार थोड़ा प्रेम हो जाए फिर तो वो प्रेम बढ़ता रहेगा, क्योंकि आप प्रेम देते रहोगे वो लेता रहेगा, आप देते रहोगे वो लेता रहेगा, प्रेम हो जाएगा, पर वो एक बार लग जाए बस, फिर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई आपको जानने की कोशिश करेगा, नहीं हम तो भगवान को जाने बिना हमारे तो रोटी नहीं पसती, हम तो भगवान को जानेंगे, तो भाई जानने वाली बात है, तो कहते हैं भाई कई अनुवेद बतावर जन्म लयो ग्रसरम, कैसे जानोगे भैया, अच्छा ऐसा करो कि तुम पहले अपने बाप की शादी में जाया हो और अपने माँ की शादी में जाया हो, जिस माँ से जन्म लिया उस माँ के और बाप के शादी में तुम जाया हो, पहले जाओ, ये क्या बात करते हो, उल्टी पुल्टी बात है, मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया उसकी शादी में मैं कैसे जाऊंगा, शादी के बाद जन्म हुआ है, हाँ तो आए ना लाइन पर, शादी के बाद आपका जन्म हुआ है तो अब आप अपने बाप की शादी को कैसे जानोगे बताओ, जान सकते हो, उस बारात में शामिल हो सकते हो कि नहीं हो सकते, तो भाई इसी प्रकार से जो भगवान इस सृष्टि के आदि कारण है, जब सृष्टि थी नहीं उस समय में सब भगवान में लीन हुए हुए थे, उस भगवान को आप कैसे जानोगे, कह यहन वेद बता बतमन बताओ बताओ, कौन उस भगवान को जान सकता है, क्यों, अवर जन्म लय है, जितने जीव हैं ये सब बाद में जन्म लिए हैं, और वो परब्रह्म परमात्मा अग्रसरम, वो पहले से है अग्र, हम उसको जानेंगे भैया, जानोगे कैसे, जानने लायक तुमको इंद्रियां मिली, मन मिली, बुद्धि मिली, शरीर मिला, सृष्टि मिली, गुरु मिले, वाक्य मिले, सत्संग मिला, सब उसके बाद से पैदा हुई हुई है, कैसे जानोगे उसको। तथा उदगा ऋषि, उस परमात्मा से पहले ब्रह्मा जी पैदा हुए, ब्रह्मा जी नहीं जान सकते उसको, बताया था ना कि ब्रह्मा जी कमलनाल के अंदर गए नहीं जान सके, तो भाई तुम लोग कैसे जानोगे, उनके बाद देवता पैदा हुए, सब पैदा हुए, कैसे जानोगे, उस समय न कारण था न कार्य था न सृष्टि थी, कोई चीज नहीं थी, न काल था न समय था, कुछ नहीं था, उस समय शास्त्र भी नहीं था, केवल एक भगवान अपने में सोए हुए थे, इसलिए भगवान जानने की चीज नहीं है, वो भगवान तो मानने की चीज है, जानने की कोशिश मत करना,
जाने नहीं जाते, माने जाते हैं। छोटा सा बच्चा बोलता है मेरी माँ है। कैसे माँ है? वो बच्चा नहीं जानता कि मैं इसके पेट में रहा हुआ हूं, नहीं जानता। आप हम भी नहीं जानते, बड़े हो गए तो भी अपने को ये मालूम थोड़ी कि हम माँ के पेट में थे। हम तो सुन के मानते हैं, सुन सुना करके मानते हैं कि भाई हम लोग माँ से जन्म लिए, ऐसे हम पेट में थे। माँ भी बोलती है देखो तुम पेट में थे ना, तब हम उस गांव में गए थे, फिर वहां से हम वहां गए थे, तुम्हें क्या पता तुम तो पेट में थे। माँ बोलती है ऐसे ही भाई, ऐसे ही भगवान के लिए वेद स्तुति करते हुए बोलते हैं कि आपको हम जान कैसे सकते हैं, क्यों अकल लगाएं जानने की, मान लें अपने तो भगवान है। छोटा सा बच्चा मान लो अनुमान लगाओ यहाँ वो जो है इधर उधर हो जाए, घूम जाए और वो आवे यहाँ रोवे चिल्लावे तो माँ माँ करे, तो भाई जिन्होंने जन्म दिया है वो सब माँ है। उसको आजा हम भी माँ है, तुम माँ नहीं हो। असली माँ आएगी ना, वो गोद में जाएगा रोएगा, वो बच्चा पैसा वो मानता है कि मेरी माँ है, और तो क्या जानता तो है नहीं, पर मान्यता में कितना उसके अंदर निस्संदेहता की भावना है, कितनी निस्संदेहता है, कोई संदेह नहीं, चला है उसके पास चला जाएगा। ऐसे भगवान की भक्ति है, ये मान्यता प्रधान है, और ज्ञान है तत्व का ज्ञान है वो जानने की प्रधानता में, जानने की प्रधानता में कठिनता है, मानने में कठिनता नहीं है। लोगों की तुम तरह तरह की बातें सुनोगे तो लोग तो भाई अपने मन के अनुसार तरह तरह की बात कहेंगे। जाने में सतह सतो मृत्यु मुतात्मा नहीं ये सभिनाम और विपाणमितम स्मरंति उपदिशांति आरोपित ही। कोई तो कहता है अरे खाओ पियो मोज उड़ाओ भाई, किसने कल देखा है, किसने कुछ नहीं है, सब बनाने की बातें हैं, कौन आया अभी तक। इतने संसार में प्राणी मर गए, किसी ने आकर के कहा कि अरे भाई लोक है पर लो, ये सब जीते जीते सब बातें बनाते हैं, मरने के बाद कोई आके बोलता नहीं। कभी कोई मरने के बाद आवे और बोले तब तो माने भी, कुछ नहीं है सब कहने की बातें, अपने तो खूब खाओ पियो मौज उड़ाओ। ऐसे लोग बोलने वाले भी बहुत है। कोई कहते हैं मुक्ति उक्ति कुछ नहीं है, बस केवल सुख शांति से रहो, इसी का नाम मुक्ति है। असतः जनिम सतः मृतिम, दुख आया वो नष्ट हो जाए, बस मोक्ष हो गया, इसी में मोक्ष हो गया। और कहते हैं आत्मनि ये च भिदाम, ये आत्माएं अलग अलग ही होती है, सब आत्मा एक है, ये बात दस्ती नहीं है हमारे। सब आत्मा यदि एक हो तो एक का कल्याण जाने पर सबका कल्याण जाना चाहिए। सब आत्मा यदि एक है तो एक का भी कल्याण नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। इसलिए भैया सब अपने अलग अलग हैं और खाओ पियो और मौज उड़ाओ, ऐसा सब बोलते हैं। पर कब तक बोलते हैं? ये त्वई न तथा परत्र सभवेद अवबोधर से, जब तक आपका ज्ञान नहीं होता। इति अबोध कृता, अज्ञान अवस्था की भाषा है ये। खाओ पियो और मौज उड़ाओ और आत्मा अलग अलग है, किसने देखा है, कोई मरा हुआ आया बोलता थोड़ा ही है, ये तो कहने की बातें हैं। ये सब बातें अज्ञान की हैं। परंतु त्वई न तथा परत्र सभवेद अवबोधर से, ज्ञान का रस जिसको मिल गया है, जो आपके तत्व को जान चुके हैं महाराज, वो कभी ऐसा नहीं बोलते कि खाओ पियो मौज उड़ाओ। न गीता ने कहा, न रामायण ने कहा, न भागवत ने कहा और न किसी और शास्त्र ने कहा। आपको जानने वाले पुरुष ऐसा नहीं बोल सकते। एक आप में अनेक प्रकार का भेद दिखता है, वैसे ही जैसे छोटे बच्चे खांड से बने हुए खिलौनों में अलग अलग समझ के लड़ते हैं। अरे मेरा पता सा है, वो मेरी मिश्री है, वो देख मेरा खांड का घर बना हुआ है, झोपड़ी बनी हुई है, वो ऐसा मैं तो ये लूंगा मैं। अरे ये सब खांड ही है भाई, खांड के अलावा कुछ नहीं है। पर बच्चे हैं, उनको वो घर अच्छा लगता है, किसी को मखाने अच्छे लगते हैं, किसी को वो अच्छा लगता है। तो सदैव मन त्रिवी त्वी विभा त्यसदात्म असत आ मनुजात,
सदा भी बसंत अशेष मिदमात्म तयात्म विद है। जो लोग आत्मदृष्टि से ही संसार को जान लेते हैं उनके लिए सब आत्मा है, सब आत्मा एक परब्रह्म परमात्मा ही है। जैसे सोने के अंदर अनेक भेद होते हैं, मिट्टी के अंदर अनेक पात्र रहते हैं, ऐसे ही परमात्मा में अनेक रूप हो गए। इसमें बताओ आश्चर्य की क्या बात है। जो आपको प्राप्त हो जाते हैं वो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके पहुंच जाते हैं, आपके धाम में पहुंच जाते हैं। आप अखिल शक्ति धारण करने वाले हैं। जैसे अनेक राजाओं के बीच में एक बहुत बड़ा राजा होता है, ऐसे ही लोक लोकपाल ब्रह्मा आदि सबके ऊपर आप सबसे प्रमुख है। सावर जंगम सारे प्राणी केवल आपके संकल्प से जीवित हुए, संकल्प से। आपके लिए कोई ऊंचा छोटा है ही नहीं, सब आपके संकल्प से पैदा हुए। ये जीव अनंत है परंतु आप इनके शासक हैं, शासक आपके शासन में ही सब काम हो रहा है। नहीं तो बताओ सब जीव यदि स्वतंत्र होते तो अपने कर्म का फल क्यों भोगना पड़ता। चोर है वो यदि चोरी का फल भोगना नहीं चाहता है पर भोगना ही पड़ता है, वो यदि स्वतंत्र होता तो चोरी का फल क्यों भोगता। चोरी कर ली हम नहीं भोगते, क्योंकि नहीं भोगते, स्वतंत्र है। परंतु यहां पर दुनिया स्वतंत्र है नहीं, प्रकृति और पुरुष है, इन दोनों का कभी संबंध हो नहीं सकता है। संबंध सजातीयता में होता है। दूध और पानी मिल सकते हैं, पत्थर और पानी नहीं मिल सकते। पत्थर और पानी दोनों का मेल नहीं होता, दूध और पानी का मेल होता है। मणि का और पत्थर का मेल हो सकता है, तो मणि के रंग वाला ही पत्थर ला के रख दो मेल हो जाएगा, क्योंकि वो भी पृथ्वी में से ही निकला हुआ है तो वो भी पृथ्वी का ही अंश है। जल और दूध ये एक हो सकते हैं, प्रकृति और पुरुष एक कैसे हो सकते हैं। तो जब तक मनुष्य आपको नहीं जानता है तब तक वो अनेक प्रकार के भ्रमों के अंदर भटकता रहता है। और सुधी लोग होते हैं, जो ज्ञानवान लोग होते हैं, वो आप में निरंतर भावम अनुप्रभवम, वो भाव पर भाव आगे से आगे उनके भाव बढ़ते ही रहते हैं। इसलिए महाराज जो आपकी शरण में आ जाते हैं वो काल से कभी नहीं डरा करते। जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीतना उचित समझा है वो अपने गुरु महाराज की शरण में जाते हैं और गुरु महाराज के आदेश से वो ठीक प्रयत्न करते हैं तो सैकड़ों सैकड़ों बाधाएं आती, वो बाधाओं को पार कर जाते हैं। जैसे कोई मणियों का समुदाय किसी नौका में बैठता है और वो एक किनारे से दूसरे किनारे में आराम से अपने धन को ले जाता है, ऐसे ही गुरु महाराज के आश्रय से मनुष्य अपने विवेक रूपी शक्ति को लेकर आराम से अपना कल्याण कर सकता है। महाराज एक आप मिल गए तो दूसरी चीज मिले न मिले उसका क्या अर्थ है। स्वजन सुतात्म धाम, स्वजन सुतात्म दार धन धाम धरा सुरथई त्वई स्थिति किम। आप मिल गए दूसरे की जरूरत क्या है, क्योंकि आपके मिल जाने से सब इच्छाएं समाप्त हो जाती है। सब मिल जाएंगे तो आप तो ये इच्छा समाप्त नहीं होती। संसार के अंदर जो संत महापुरुष होते हैं वो आपको अपने चित्त में धारण किए हुए होते हैं और वो एक बार आपको नित्यानंद स्वरूप अपने मन को आप में लगा लेते हैं फिर वे संसार के भोगों में नहीं पड़ते। अब एक अंतिम खास बात सुन लीजिए, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। सतइदमुत्थितम सदिति चेन्ननु तर्कहतम व्यविचारति क्वच क्वच मृषा न ततो भययुक् व्यवहारिताये विकल्प इषितो न परंपरया भ्रमयति भारते त उर्वृत्ति विरुक्त जडान। सतइदम उत्थितम माने सत परमात्मा से पैदा हुआ ये जगत भी सत होना चाहिए,
ऐसा यदि कोई कहता है तो गलत है। ध्यान देना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तुम कहते हो परमात्मा सत है कि असत है, तो सत से पैदा होने वाला सत ही होगा ना। परमात्मा तो सत है और जगत के असत है, तो ऐसा कैसे हो गया? जैसा कारण होता है वैसा ही तो कार्य होता है। कारण तो और कार्य और, ऐसा हमने आज तक तो नहीं सुना भाई। तो ये यहां पर कारण और कार्य में भेद क्यों हुआ? तो कहते हैं तर्क हतम, ये बात आपकी तर्क के अनुसार चलने वाली नहीं है। क्यों नहीं चलने वाली है? इसलिए चलने वाली नहीं है जी कि कारण और कार्य में भेद होता है। क्या कि ये देखो हमारे बाल है, ये बाल है, ये बाल काय से पैदा हुए? शरीर से पैदा हुए। शरीर से पैदा नहीं हुए, खास बात समझो, ये शरीर से पैदा नहीं होते। देखो नाई ने हमारे बाल साफ कर दिए, फिर ये बाल क्यों आ गए जी? एक मुर्दे की संवार कर दो आप, मुर्दे की संवार कर दो, उसके बाद मुर्दे को आप महीने भर तक रख लो, बोले बाल नहीं आएंगे उसके ऊपर। क्यों नहीं आएंगे? इसलिए नहीं आएंगे, वो श्वास नहीं लेता। ये श्वास लेता है ना मनुष्य, तब ये बाल आते हैं। मुर्दे की संवार कर दो, बाल नहीं आएंगे। और अपने संवार कर दो, सुबह करो शाम तक थोड़े थोड़े आ जाएंगे, दूसरे दिन थोड़े थोड़े आ ही जाएंगे, क्योंकि श्वास लेते हैं, श्वासों से बाल आता है। अब देखना, श्वास है ये तो है प्राण, और ये प्राणवान शरीर है। शरीर कैसा है? इसमें प्राण है, माने सिर से लेकर के पैर तक सब जगह प्राणी प्राण है हमारे। और इस प्राणवान शरीर से पैदा क्या हुआ? निर्जीव और निष्प्राण ये बाल पैदा हुए। अब कहते हैं जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य हो, तो हमारे प्राण से निष्प्राण पैदा क्यों हुआ? जीवित से मुर्दा पैदा कैसे हुआ? बाल तो मुर्दा ही है हमारा, ये नाखून है साहब, नाखून आगे के नाखून आते हैं उनमें प्राण नहीं रहता। क्यों जी? इस क्यों का कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। प्राणवान शरीर से निष्प्राण बाल पैदा होते हैं, प्राणवान शरीर से निष्प्राण नाखून पैदा होते हैं। तो जैसा कारण होता है वैसा कार्य होवे ये संसार में जरूरी नहीं है। इसलिए परमात्मा से संसार भी सत्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। उल्टा कारण में और कार्य में भेद देखा जाता है। व्यभिचरति क्वच क्वच मृषा, कहीं तो एकदम ही उल्टा होता है, कहीं व्यभिचार दोष आता है। कारण और जातिकार, कार्य और जातिकार। आपने अंधेरे में डोरी को सांप समझ लिया, तो डोरी तो है निष्प्राण और सांप है सप्राण, तो ये क्यों हुआ जी? ये कारण तो और है, कार्य और हो गया ना। कहते हैं यहां सांप समझने में केवल केवल जो है दृष्टि दोष ही नहीं है, थोड़ा अज्ञान भी है उसमें, उसमें अज्ञान भी है। तो कहते हैं ऐसे ही उभय युग, ऐसे ही अज्ञान और चेतन दोनों के मिश्रण से ये सृष्टि पैदा हुई है। सृष्टि का जो हमको भान होता है वो अज्ञान के कारण से होता है। तो ये परमात्मा, लेकिन हमको परमात्मा नहीं दिखती। कहते हैं हमको नहीं दिखती, लेकिन परमात्मा तो सत है, तो असत क्यों हुआ? कहते हैं परमात्मा अनंत शक्ति संपन्न है। परमात्मा में सत शक्ति भी है और परमात्मा में असत शक्ति भी है। तो सत शक्ति से परमात्मा ने जीवों को बनाया है, और अपनी असत शक्ति से परिवर्तन रूपा शक्ति से परिवर्तन वाला संसार बनाया। इसीलिए गीता में कहा कि एक मेरी परा प्रकृति है, एक मेरी अपरा प्रकृति है।
परा प्रकृति है वो तो है मेरी सदरूपा प्रकृति, और अपरा प्रकृति है वो मेरी परिवर्तन रूपा शक्ति से बनने वाली अपरा प्रकृति। ये बात बताई गई। और संसार का जो व्यवहार है वो व्यवहार केवल नाम रूप ये व्यवहार के लिए है और इसका कोई लेना देना नहीं है। ये व्यवहार उन्हीं को सत्य प्रतीत होता है जिनकी संसार के अंदर बुद्धियां मोहित हुई हुई है। मोहित नहीं होता उसको व्यवहार सत्य मालूम नहीं देता। व्यवहार तो करता है, व्यवहार तो होता ही है, पर मैं व्यवहार करता हूं ऐसा नहीं है। वहां शरीर इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, इंद्रियों का इंद्रियों में ही अनुवर्तन हो रहा है ऐसा वो समझता है। ये संसार पहले नहीं था और आगे नहीं रहेगा, बीच में भी ये मिथ्या प्रतीत होता है। वितथ मनोविलासम, ये मन का एक देखने का तरीका है। थोड़ी देर में तो संसार अच्छा लगता है, थोड़ी देर में खराब लगता है। बहुत अच्छा लगता है संसार, और घर में कोई मर जाए तो अरे संसार बड़ा खराब, बड़ा वैराग्य होता है। तो ये एक झूठा मन का विलास मात्र है। वितत मनोविलासम और रितम इव माने वो सत्य की तरह प्रतीत होता है ये हमको हमारी भूल के कारण से। क्योंकि जब जीव माया में सोया पड़ा रहता है ना, तब ये विषयों को भोगने के अंदर जागरूक रहता है, और विषयों में भोगते भोगते वो विषयाकारा वृत्ति बन जाती है, उसका अंतःकरण विषयाकारा कारित हो जाता है। और यदि भाई ये विषयों की इच्छा नहीं मिटी तो चाहे लाल कपड़े कर लो, चाहे साधु बन जाओ, चाहे जटा बना लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, ये इससे पार पड़ने वाली नहीं है। देखो बड़ी सुंदर बात कही हम लोग साधुओं के लिए भी, ऊपर के ऊपर से हम लोग स्वांग बना बना करके और अपने को मानते हैं कि साहब हम तो मुक्त हो गए, उनके लिए बड़ी अच्छी करारी एक चपत है ये। यदि न समुद्धरन्ति यतयोर् हृदि काम जटा दुरधिगमो असताम हृदि गतो स्मृत कंठ मणि। जटा तो हमने बढ़ा ली साहब, कहते ये जटा बढ़ाने से नहीं होगा बाबा, अंदर जो कामना की जटाएं बढ़ाई रखी है उन कामनाओं की जटाओं को साफ करो, इस बात के लिए जटा उतारना होता है। मुंडित होने का अर्थ क्या हुआ, ये मुंडित होते हैं साधु संत, हम लोग साधु वो मुंडित क्यों होते हैं, अरे मन को मुंडित करो, मन के अंदर कामनाओं को मुंडित करो, उसका प्रतीक है ये, शिक्षा देने के लिए है। आजकल हम लोगों में भी शौकीन ही आ गई, थोड़ी दाढ़ी वाड़ी भी इस ढंग की करवाएंगे, ऐसी कटिंग थोड़ी कर दो, बेचारा इतनी तो नहीं हो, थोड़ी थोड़ी हो, ये सब जगह आ गया विकार, सब में आ गया। यहां भी जटा वगैरह भी ना थोड़ी थोड़ी कम कर दो यहां, ये समझना चाहिए कि ऋषि मुनि ने परंपरा क्यों डाली है। मुंडित हो जाओ अर्थात मन को मुंडित करो, ऐसे जो अपने हृदय में कामनाओं की जटाओं को मुंडित नहीं करते वो चाहे साधु बन जाओ, यति बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, अपने हृदय में छिपे हुए परमात्मा उसको वैसे ही नहीं मिलते जैसे अपने गले में रहने वाली माला है वो उसके ध्यान में नहीं आती तो वो नहीं, मैं हमारी माला घूम गई साहब, हमारी माला घूम गई, माला थी बहुत बढ़िया, ये माला घूम गई हमारी, इधर ढूंढेंगे, जेब में ढूंढेंगे, जहां कहां गए वहां ढूंढेंगे, कोई कहेगा यही था, अरे यही है यही। तो न तो माला घूमी न माला आई, माला अपनी जगह ही थी, हमारा ध्यान नहीं था। ऐसे ही परमात्मा न तो हमसे अलग होते हैं, न वो परमात्मा आकर हमसे मिलते हैं, परमात्मा की शरण होने से अपने जो परमात्मा के साथ एकता है उसका बोध होता है। आपको जानने वाला व्यक्ति होता है महाराज, वो सुख दुख से ऊपर उड़ जाता है। ये पहचान है सबसे बढ़िया। और हम लोग जो आपकी प्रशंसा करते हैं, हम लोग आपकी जो स्तुति करते हैं, वो महाराज हम जो है स्तुति कैसे करते हैं, हाँ
वो कहते हैं हम लोग भी आपकी स्तुति साक्षात करने में समर्थ नहीं है। त्वयि फलं त्यतन निरसनेन, अतत का निरसन करते हैं, अतत का त्याग करते हैं, अतत का माने ये परमात्मा है ना, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मतम विद्धि, उसी को ही तुम ब्रह्म मानो। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मतम विद्धि नेदम यदि तुम उपासते। श्रुतियां साक्षात वेद, वेद साक्षात परमात्मा का स्वरूप का वर्णन करने में समर्थ नहीं है, वो अतत का निषेध कर सकते हैं बस। जैसे आपको बताया कि आपका कलशा है, पीतल का कलशा कमरे में पड़े पड़े 10-15-20-25 वर्ष तक काट लग गया, भयंकर काड़ा काड़ा लिखने लग गया, भयंकर काट काड़ा काड़ा दिखता है वो। अब आपने क्या किया कि भाई थोड़ी नारियल की जोटी ली, थोड़ा नींबू लिया और जो है खट्टी छाछ ली, उसमें नमक मिलाया और फिर राख लेकर के उसको खूब यूं मांजने लगे तो क्या हुआ कि भाई वो साफ हो गया। तो वो साफ है, वो सफाई कोई नई थोड़ी आई है, केवल ऊपर का काट है, वो काट दूर हुआ है। ऐसे ही श्रुतियां बोलती है कि हम साक्षात आपका वर्णन नहीं करती है, आपके देखने में जो जीवों के आंखों में पर्दों पर जो एक आवरण आया है, केवल हम आवरण हटा पाते हैं, आपका साक्षात हम वर्णन नहीं करते। और हम तो महाराज आपका वर्णन करते 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 भवन निधना आप में समाहित हो जाते हैं। हे नारद, ये हमने आपको 28 सूक्त कहे, 28 ये 28 सूक्त कहे हो। देखो भाई, हमने भी घड़ी भी देखी है और आपका थोड़ा चेहरा भी देखा है कि आप इसको कैसे सुन रहे हो। आप इसको सुनते 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 ऊब तो नहीं रहे हो, और घड़ी भी देखी और घड़ी अपने हिसाब से खूब तेजी से चल रही थी, पर आपका जो ये निष्ठापूर्वक श्रवण का भाव देखा ना, तो हम इसमें खूब जमे रहे। इसमें यदि आपके चेहरे पर उदासी देखते, यदि आप इसमें प्रसन्नता से नहीं सुनते, तो भाई इस प्रसंग को हम कभी पूरा कर देते हैं। बड़ी तल्लीनता से आप सुने हो। ये 28 सूक्त है, ये कुल मिला के 28, जब से जहां से चालू हुए 28 सूक्त है। आपको मालूम होगा कि नरकों की संख्या भी भागवत में 28 बताई है, 28 नरका। जो व्यक्ति ये सुन लेता है ना, तो जैसे नरकों के वर्णन से नरक नहीं मिलता, वो तो है, ये वर्णन सुन लेता है उसके तो भाई किसी प्रकार से भूल भटकने में भी उसको नरक नहीं मिलता, किसी हालत में नहीं मिलता। भगवान इतना ही नहीं बोलते, और बोलते हैं कि देखो देखो नारद, उन ब्रह्मा जी के पुत्रों ने, सनकादिकों ने जब ये ज्ञान सुना तो उनको इतना आनंद का अनुभव हुआ, एकदम समाहित हो गए, मस्तिम हो गए और सनंदन की पूजा की। सनंदन की पूजा क्यों की भाई? आज पहले तो कह के आए हैं कि सनंदन है, वो उनके बराबर के ही है, वक्ता की पूजा क्यों की यहां? देखो भाई, अब हम आपको बात बताते हैं, भगवान से यही निवेदन है कि कोई अभिमान न आ जाए। वक्ता का सम्मान जो होता है वो वास्तव में वक्ता का व्यक्तिगत नहीं होता, वो वक्ता का सम्मान है वो उसके ज्ञान का, उसके वक्तृत्व का, वक्तित्व माने जो वो वक्तव्य का सम्मान होता है। वक्ता जो पुरुष है, पुरुष का सम्मान नहीं है, वो जो वक्तव्य, जो ज्ञान, जो बात कही जाती, बात का सम्मान है। वक्ता देख लेते साहब हमारा सम्मान है, हमको इतने लोग पूछते हैं। इस भयंकर गर्मी में देखो कितनी माताएं, मैंने भाई लोग, अरे तुम्हारे कारण से नहीं आते बुद्धूराज, तुम क्या हो इसमें से वो जानने वाले, नहीं आते हमारे कारण से, निरर्थक हम अभिमान करते, निरर्थक। वो
बताए सनंदन का सम्मान उनके बराबर वालों ने करके दुनिया को सावधान किया कि वक्ताओं सावधान रह जाओ, इस प्रसंग में घमंड मत करना, घमंड करोगे तो पतन हो जाएगा। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है कि ज्ञान को अपनी व्यक्तिगत चीज मान लेना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है, इससे बड़ा कोई अज्ञान नहीं है। अब भागवत की चीज यार हम अभिमान करने, साहब हमने भागवत सुनाई, साहब बहुत बढ़िया हमने भागवत सुनाई, साहब इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, उसने कभी भागवत सुनी नहीं, सुनाएगा क्या। सब वक्ताओं को सावधान किया है कि सनंदम अथा नरचू, उन्होंने सनंदन की पूजा की, क्यों पूजा की, इति अशेष समामनाय पुराणोपनिषद रस है, ये सारे शास्त्रों का, उपनिषदों का, पुराणों का, सारे शास्त्रों का ये रस है, निचोड़ है, जैसे कई पत्तों को मिला करके उसका रस निकालते हैं, ऐसे सारे शास्त्रों का ये रस निकाला गया, एकदम रस क्वात है, क्वात होता है उसमें कई चीजों का जो है उकाली बनाते हैं आप लोग, कई चीजों का रस होता है इसमें, सबका रस है, उस रस को उन लोगों ने पिया और बड़े आनंद में डूब गए। इसलिए हे नारद जी आप भी इस रस को पियो और इस रस को पी करके संसार के अंदर इस रस का विस्तार करो, और जो छोटी छोटी कामनाओं में उलझे हुए हैं ना, हमको स्वर्ग मिले, हमको सुख मिले, हमको शरीर में निरोगता मिले, हमको स्वरूपवान पुत्र मिले, हमको निरोग पति मिले, हमको खूब धन मिले, ये जो क्षुद्र कामनाओं में फंसे हुए जो बेचारे दुख पा रहे हैं, उन दुख पाते हुए प्राणियों को बचाओ। जैसे कीड़ा मकोड़ा कहीं पानी में फंस जा तो भाई दयावान पुरुष होता है, वो लकड़ी से कैसे उन कीड़ों को बचाता है, भाई बिना मतलब मर जाएंगे, यूं मर जाएंगे। ऐसे ही हम लोग जो संसार के अंदर कीड़े मकोड़े के समान है, हम लोगों को ऐसे ऐसे महापुरुष, नारद जी जैसे महापुरुष इस ज्ञान के विस्तार के लिए भगवान की आज्ञा प्राप्त करके आए, और उन्होंने कहा कि भाई तू जाओ और लोगों के अज्ञान को दूर करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हमारे नारद जी ने इस ज्ञान को पूर्ण श्रुति धरा, खूब आनंद से जो सुना उसको धारण किया, पल्ला झाड़ ज्ञान नहीं, उठेंगे तो पहले पूरा झाड़ नहीं आए, ताकि यहाँ की चीज यही रह जाए, कुछ साथ में न चल रहे, पल्ला झाड़ ज्ञान बोलते हैं उसको, पल्ला झाड़ दिया, ये ऐसा नहीं था, पूर्ण श्रुति धरा है। हमारे नारद जी महाराज पूर्ण श्रुति धर ज्ञानी थे, उन्होंने बड़ी श्रद्धा से नारायण भगवान को प्रणाम करते हुए कहा हे प्रभु कैसी आपकी निर्मल कीर्ति है, आप साक्षात कृष्ण ही हो, कृष्ण माने हमारे हृदय को आकृष्ट करने वाले, हमारे पापों को खींचने वाले, हमारी चित्त वृत्तियों को अपनी ओर लगाने वाले हो आप, आपने हमारे कल्याण के लिए ही ये नारायण रूप धारण किया है, ऐसे उनको बारंबार प्रणाम किया। और हे परीक्षित हमारे नारद जी वहां से सीधे हमारे पिता कृष्ण द्वैपायन के पास आए, व्यास जी के पास आए, और उनसे कहा व्यास जी भागवत लिखो, देखो व्यास जी मैंने ब्रह्मा जी से भी सुना है और मैंने भगवान नारायण से भी सुना है, वो ये 28 वेद स्तुति के प्रसंग से एकदम नारद जी महाराज मस्त हो गए और उनकी प्रेरणा से ये भागवत निकली, वो भागवत मैंने तुमको सुनाई है, अब देखो तुम समझ गए होंगे कि निर्गुण ब्रह्म में सगुण किस प्रकार से प्रवेश करता है। एक भगवान की उत्प्रेक्षा होती है, माने भगवान का केवल संकल्प होता है, उस संकल्प से ये जीव पैदा होता है, अनेक जीव पैदा होते हैं, सारा संसार पैदा होता है, वे इसके स्वामी है, वो पैदा होकर उसमें रहते हैं, भगवान इस संसार को पैदा करते हैं और पैदा करके भगवान इसमें समाहित रहते हैं, माया से भगवान का लेना देना कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग गहरी नींद में सोते हैं तो सबसे संबंध विच्छेद रहता है हमारा अपने आप, ऐसे ही भगवान का सदाई संबंध विच्छेद रहता है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। तो राजा ने पूछा कि महाराज ध्यान करते तो हैं लेकिन उल्टा फल देखने में आया, ध्यान करते तो उल्टा फल देखने में आया, क्या
कि देवता असुर मनुष्य इनके अंदर हमने उल्टा फल देखा कि जो एकदम शिव रूप है, माने सिर के ऊपर तो जटा है और गले में रुद्राक्ष की माला है या शिव या सर्प है और कमर के अंदर केवल यहां मृगचर्म है, ऐसे भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, उनके पास तो खूब पैसा है। और भगवान विष्णु जिनके माथे के ऊपर मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले में कौस्तुभ मणि है, भुजाओं में भुजबंद है, हाथ में कड़ा है, अंगुलियों में अंगूठियां हैं, कमर में करधनी है, चरणों में नूपुर है, आपाद मस्तक जो आभूषणों से लदे हुए हैं, ऐसे भगवान विष्णु के उपासक है वो बड़े गरीब है। और आप कहते हो भगवान हरि का ध्यान करो, उपासक के अंदर वो गुण आने चाहिए ना जो उपास्य में रहते हैं। उपास्य कैसा है तो उपासक से मालूम चलता है। तो आप देख लो जितने वैष्णव हैं, आप उन वैष्णवों को जाकर देख लो, गोड़े तक कपड़ा पहनेंगे, गोड़े तक कपड़ा पहनेंगे और ऊपर थोड़ा सा कपड़ा डाल लेंगे बस थोड़ा ऐसे रहेंगे। भगवान शंकर के उपासक खूब धन होता है उनके पास वैभव, क्या बताएं। साधुओं में भी यही बात है, वैष्णव साधुओं के पास इतना धन नहीं है जितने शैव उपासक मठों के अंदर पैसा है। जैसे गृहस्थ में भी है कि जो शिवजी को मानने वाले बहुत पैसा होता है और विष्णु को मानने वालों के पास पैसा कम होता है। सच्ची बात पूछी बिचारे परीक्षित जैसा देखा वैसा पूछ लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अरे अरे परीक्षित, देखो तुम उपासकों का उपास्यों का हृदय देखो। हृदय, ये जो उपासक होते हैं, ये उपासक क्या होते हैं, ये शरीर नहीं होते। उपासक होता है वो अपने उपास्य का भाव बताने वाला होता है। जैसे जो गुरु जिस शिष्य को शिक्षा देता है, उस शिष्य में गुरु के ज्ञान का भाव का अवतार होता है और पिता होता है, माँ होती है, वो पुत्र को शरीर देते हैं। तो माता की या पिता की शक्ल आएगी पुत्र में, संतान में माँ बाप की शक्ल आएगी। वो सकल सूरत क्यों आएगी, उन्होंने शरीर दिया। और जो ज्ञान देने वाले गुरु होते हैं, उन गुरुओं के अंदर रहने वाला जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान उसके शिष्य में आता है, उसके हाव भाव, उसके बोलने का तरीका और उसका चाल चलन व्यवहार, वो सब उसके गुरु का उसमें उतरता है। तो जो उपास्य होता है वो अपने उपासक के रूप में अपना भाव उसमें अवतरित करता है। अब देखो शंकर भगवान के भाव क्या है, शंकर भगवान सारे वैभव के मालिक हैं या संसार में, जो रुद्र है, जो अहंकार है, उस अहंकार से ही तो सारा वैभव निकलता है। उसके मालिक हमारे शंकर जी बताते हैं कि हमारा अंदर का भाव देखो, इतनी बड़ी संपत्ति के हम मालिक हैं, परंतु हम उससे कोई लेना देना नहीं रखते, हमारा उससे कोई संबंध नहीं। इतना वैभव है लेकिन हमारा संबंध नहीं है। और भगवान विष्णु क्या बोलते हैं कि देखो हमारे पास कितना वैभव है, हमारा वैभव प्रकट है, लेकिन हमारा भाव कैसा होता है, हमारा भाव देखो, ये हमारे उपासकों में चले जाओ। वैष्णवों को आप कहो कि साहब आप, ये वैष्णव लोग होते हैं ना, वो भिक्षा भी नहीं मांगते इतनी, आजकल की तो बात नहीं कहते। वैष्णव लोग स्वयं पाकी होते हैं, स्वयं ही बनाएंगे। वैष्णव लोगों में बहुत बातों की अलग बातें हैं और शैवों की अपने ढंग की उनकी भी बातें हैं, ऐसा नहीं कोई विशेषता नहीं, बहुत विशेषता है सब में है अपने अपने। वो याचना नहीं कर सकते, वैष्णव होता है वो याचना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उनके मन में लगा हमारे आराध्य इतने संपन्न है, हम क्यों किससे आराध्य, क्यों हम किससे याचना करें। अयाचिक वृत्ति का भाव रहता है। तो उपास्य होता है, उपास्य जो होता है वो उपासक के भाव में वहां आता है।
भगवान शंकर बताते हैं कि मेरा वैभव कैसा, मेरा वैभव है मेरे भक्तों के पास जाके देखो। भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो मेरे भक्त कितने निर्लेप रहते हैं, मैं इस वैभव से कितना निर्लेप हूं, जाकर मेरे भक्तों के पास जाकर देखो। एक बार सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से ये बात पूछी कि महाराज आपके भक्त होते हैं वो दीनहीन गरीब हुए वे कैसे फिरते हैं। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर जिसके ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूं उसको सबसे पहले गरीब बनाता हूं। उसके पास खूब धन होता है, वो धन में उसका कम, हरिष्ये तद धनम शनै, उसका धन कम कर देता हूं। क्यों? क्योंकि जितना उसके पास धन होगा वो उतना मेरे पर विश्वास कम करेगा। काम तो मेरा, मेरे पास ये धन है, मेरी आमदनी है, मेरी कमाता हूं खाता हूं सब। इसीलिए संत महापुरुष संग्रह नहीं करते थे। पुराने जमाने में संत महापुरुष रात्रि के समय में मटकों को ऊंधा कर देते, कोई जल भी नहीं रखना क्योंकि संग्रह हो जाएगा। कोई जल नहीं रखते, अपना उल्टा करके सो गए। रोटी वगैरह भिक्षा की आती थी, भिक्षा की रोटी देख लिया सबने पा ली, बच गई रोटी तो भाई बच गई रोटी तो और किसी को दे वो सटा। रात के समय में रोटी पानी कुछ नहीं रखना है। अब बताओ उनको कितना विश्वास है, धान नहीं धीड़ो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास आन मिले सब थोक। महाराज जी ने एक बात कही थी, महाराज जी ने बात कही कि एक बार हमारी भिक्षा में, कई बार हमारी भिक्षा में इतने प्रकार के हलवे आए, उतना किसी धनी आदमी को हलवा नहीं मिलता। कई प्रकार के हलवे आए, आटा का हलवा अलग, सूजी का अलग, बादाम का अलग, और जाने क्या क्या नाम लिया, कई हलवे आए हमारे सामने। और कई बार ऐसा भी हुआ कि खाने को पूरी रोटी भी नहीं मिली, पूरी रोटी भी नहीं मिली हमको खाने के लिए, ऐसे भी नौबत आई। तो धान नहीं धीड़ो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठे रामदास आन मिले सब थोक। ये कब होता है? अपने पास में कोई संग्रह नहीं होता, कोई आजीविका का साधन नहीं होता, तब भगवत विश्वास बढ़ता है। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त में मेरा विश्वास बढ़ाने के लिए उसका धन हर लेता हूं, शरीर में उसका अहम भाव मिटाने के लिए मैं बीमारी भेज देता हूं। तुम कहते हो शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, तेरा शरीर है तो इसको ठीक रख ले, ले हम तेरे को बीमारी दिए कर ले ठीक इसको। वो कहे हमारा शरीर मेरा नहीं है, बस ठीक अब ठीक है। अरे सबसे बड़ी बीमारी तो शरीर को मेरा मानते हैं ये बीमारी है। हम कहते हैं कि शरीर में ये बीमारी हो गई साहब, बीमारी हो गई, होगी तो हो गई, ये कितनी बड़ी बीमारी पाल ली। तो हरिषे तद धनम शनै ही, तो भगवान बोलते हैं देखो एक बात बताएं बीच में, आप डरना नहीं, मध्यम विश्राम तो करेंगे पर मध्यम विश्राम करने की इच्छा नहीं है, पर करेंगे जरूर मध्यम विश्राम करेंगे, ऐसी बात नहीं, पर इच्छा बिल्कुल नहीं है मध्यम। कितना बढ़िया प्रसंग चलाओ अपने तो चलाओ कथा, पर भाई इतने लोग हैं, माताएं बहने भाई लोग, बड़े बूढ़े, माइतों के बराबर बूढ़े बूढ़े सज्जन माताएं बैठी हुई, तो मध्यम विश्राम करेंगे, आप थोड़ा धैर्य रखना। पर इच्छा नहीं है मध्यम विश्राम करने की। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका भाव, देखा भाव आपका, जिस प्रकार से ये ऐसे जमे हुए आप बैठे हुए कथा सुनने का भाव, इस भाव के कारण से जो है विश्राम करने का मन नहीं है। पर विश्राम करेंगे, आप ऐसा मत समझना को प्रसंग आ जाए तब। तो ततो अधनम संत्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम्। एक जो आदमी पैसे वाला नहीं होता उसके परिवार वाले ही उसकी उपेक्षा कर देते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। परिवार वालों ने उपेक्षा कर दी, धन उसके पास है नहीं, वो बहुत जल्दी मेरे पास आता है। और दूसरे लोग है ना ब्रह्मा, ये युधिष्ठिर जी, वो ऐसा विचार करते नहीं आगे पीछे, हमको ऐसा विचार करना पड़ता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जितना भगवान अच्युत विचार करते हैं, विष्णु भगवान विचार करते हैं ना भक्त के ऊपर,
ऐसे आगे पीछे का ख्याल हमारे ब्रह्मा जी भी नहीं करते और शिव जी भी नहीं करते। एक बृकासुर था, उसके मन में आई कि ब्रह्मा विष्णु महेश में जल्दी राजी कौन होता है, तो अपने तो जाकर के पूछो, इंक्वायरी में पूछो, इंक्वायरी कौन है? नारद जी महाराज। नारद जी महाराज देवताओं की, असुरों की, सबके इंक्वायरी ऑफिस है, उस कोई बात पूछ लो उनसे। वाल्मीकि रामायण में आता है कि नारद जी महाराज ने लड़ाई करने की बात बताई, लड़ाई कैसे की जाए, कैसे बाण लगा जाए, कैसे तलवार चलाया जाए, नारद जी ने लड़ाई की बात बताई। बताओ तो नारद जी महाराज के पास गए, नारद जी ब्रह्मा विष्णु महेश में जल्दी राजी नाराज कौन होता है, जल्दी बताओ, जल्दी राजी कौन होता है? नाराज के बाद जल्दी राजी कौन होता है? नारद जी महाराज, जल्दी राजी हमारे भगवान शंकर होते हैं और नाराज भी बहुत जल्दी होते हैं। वो नाराज की तरफ तो विचार किया नहीं और सीधा केदार खंड में चला गया और वहां जाकर यज्ञ किया और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे करके अपना शरीर काटने लगाए, आहुति देता ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 7 दिन हो गए, जब 7वें दिन भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए तो अंत में उसने कहा कि बस महाराज जी अंतिम आहुति दे रहा हूं, हे ओम नमः शिवाय, यह बोलने वाले थे कि उस अग्नि में से भगवान शंकर प्रकट हो गए, उसका हाथ पकड़ लिया। अरे भैया तुम मेरे लिए बताओ, इतनी बड़ी तपस्या की है। भगवान शंकर ने शरीर पर हाथ रखा, शरीर पर हाथ फेरा, एकदम शरीर स्वस्थ हो गया, पहले से अच्छा हो गया। बोलो बोलो, कोई वरदान मांगो मेरे से, वरदान मांगो। उस बृकासुर ने देखा ये भगवान शंकर आज संसार के स्वामी क्यों है, क्योंकि इनके पास शक्ति है। इनके पास क्या शक्ति है कि पार्वती शक्ति है। ये शक्ति जब हमको मिल जाए तो हम भी संसार के मालिक बन जाए। तो कहा महाराज जिसके सिर पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु 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 बोल दिया। दो बोलते ही कि महाराज मैं तो आप ही के सिर पर हाथ रखूंगा। अरे भैया हमारे सिर पर हाथ रखोगे, हमसे ही वरदान लिया। कहते साहब वरदान आपने दिया है, हम क्या करें। भगवान शंकर वहां से रवाना होने लगे, वो पीछे पीछे दौड़े। भगवान शंकर ने देखा अच्छी आफत मोल ली, घर बैठे हमने। अब वो देखता है कि इनको मार दूंगा, पार्वती मिल जाएगी। और वो भगवान शंकर के पीछे, भगवान शंकर आगे। अब भगवान शंकर जो है बड़े भयंकर संकट में पड़ गए। वो क्या करे भगवान शंकर, दौड़ते 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 भगवान शंकर सब जगह, जहां छिप सकते थे सब जगह छिप लिए, दौड़ लिए। अंत में वो भगवान विष्णु पद है, विष्णु लोक है, उसके पास से जा रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा कि बेचारे भोलेनाथ बाबा संकट में पड़ गए। तो उसी समय में भगवान छोटे से बालक बन करके आए, छोटे बालक 10-11 वर्ष का बटुक, बढ़िया गाती वाती लगा लघु करके और बड़े सुंदर। वो आकर के उधर तो भगवान विष्णु आए, शंकर जी चले गए, वो बीच में आ गए वहां। और इधर से बृकासुर है, आइए आइए बृकासुर जी, ओम नमो नारायण आए। अरे तू तो बड़ा मीठा बोलता है रे, कौन है तू? मैं तो राह चलते कोई आ गया, आप थोड़े विश्राम तो करो, क्षणम विश्रम्यता। क्या बात है, आप इतने शरीर को यूं लथपथ किए हो, पसीने से हांफ रहे हो, दौड़ रहे हो, मेरा शरीर को कष्ट देने के बाद आपको इस संसार में आराम नाम की चीज कहां मिलेगी बताओ? आराम तो उसी को ही बोलते हैं जहां शरीर को कोई तकलीफ ना हो। अरे बटुक तुम्हें पता नहीं है मुझे कितना ही कितना जरूरी काम है। नहीं देखो जरूरी काम है, थोड़ा विश्राम कर लो फिर कर लेना। और देखो कोई ज्यादा जरूरी काम होता है तो किसी को आप बता भी तो सकते हो, क्या पता कोई छोटे से भी बड़ा सहयोग मिल सकता है आपको। बताओ आपको क्या जरूरी काम है। अरे तुम शिव को जानते हो, क्या हो गया? उसकी मैंने आराधना की, वरदान प्राप्त किया, जिसके सिर पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। तो फिर क्या हुआ कि मैंने वो वरदान ले लिया। और बटुक मैंने देखा कि उसी के सिर पर हाथ रखो,
और पार्वती मुझे मिल जाएगी, मैं जगत का स्वामी, क्यों शक्ति वाला होता है वही तो जगत का मालिक होता है, वो शक्ति मुझे मिल जाएगी, मैं सब जगत का मालिक बन जाऊ। वाह 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 ब्रिकासु जी, वाह वाह क्या बढ़िया आपने ये सपना देखा है, परंतु गलत जगह पर पहुंच गया। ऐसी आराधना यदि आप और किसी की किए होते तो आपको ऐसा कष्ट देखना नहीं पड़ता, पर क्या बताएं, आपने शंकर जी की आराधना की, शंकर जी तो किसी काम के ही नहीं है। आपने ये कभी सोचा कि नहीं, शंकर जी कभी देवताओं के बीच में बैठते हैं? शंकर जी तो भूत प्रेत पिशाच मसानों में रहने वाले और कोई काचा कड़वा वगैरह उनके साथ रहने वाले हैं, वो मसानों में रहने वाला है। शंकर की कभी आपने कोई श्रृंगार की सामग्री देखी? मसानों में जो मुर्दा है उसकी राख लेके शरीर पर लगाता है, वो अलग ही रह गया, वो बहिष्कृत है सब देवताओं से। उसकी आराधना करके आपने तो बड़ा कष्ट प्राप्त किया, उसकी वाणी पर आपने विश्वास कर लिया? देखो आपको अभी बताएं, आप अपने सिर पर हाथ रख के देखो, देखें अपने सिर पर आप हाथ रखो, अभी आपको पता चल जाएगा शंकर कितना झूठ बोलता है। महाराज बटुक महाराज, मैं मेरे सिर पर हाथ रखूं और यदि मैं जल गया तो? अरे ये थोड़ी कहता हूं कि आप जल जाओ, मैं जलने के लिए आपको कहता ही नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि आप उसकी बात की परीक्षा करो, उसकी बात कितनी झूठी है अभी पता चल जाएगा। हम कहते हैं यदि आपने हाथ पर अपना हाथ रखा और नहीं जड़े तो उसका पता चलेगा कि नहीं वो कितना झूठ बोलता है? हाँ तो देखो वरदान प्राप्त किया है, परीक्षा करो, वरदान में सच्चाई हो तो आप उसके पीछे जाओ, और ये झूठे क्यों फालतू शरीर को तकलीफ दे। अब वो थका था, दौड़ा दौड़ा आया, उसने आगे पीछे कुछ विचार किया नहीं, और भगवान ऐसे मीठे बोलने लगे कि वो तो भगवान की वाणी में फंस गया, वो अमृत वर्षणी वाणी थी भगवान बटुक की। तो यू हाथ यू ले के देखो भाई बटुक, यदि मैं जल गया तो घरे अरे आप रखो रखो, नहीं मैं सामने खड़ा हूं ना आपके, आप रख के देखो तो सही, अभी पता चल जाएगा। फिर वो कहे महाराज कभी मेरे यदि जल गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर ये वरदान, अरे अब वही तो कहता हूं वरदान की सच्चाई, रखो देखो क्यों आप समय लगाओ। वो क्या यू रखा, यू रखता है वो धू धू करके वो जलने लग गया, देवताओं ने धुंधबिया बजा दी और सब फूलों की वर्षा होने लगी वटुक भगवान पर। वाह महाराज निहाल कर दिया, निहाल कर दिया, भगवान शंकर आए कि महाराज बचा दिया मुझे आपने। भगवान ने कहा कि ये अपने पाप से ही मारा गया, हमने क्या बचाया। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसके संकट भगवान की कृपा से सब दूर हो जाया करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।